प्रथम लागु दो चरण को धनिये ना छुड़ायो खिन लाक तलीला लेडिया मेरे जीव के जीवन इन पाम तले पड़े रहूं धनी नजर खोलो बातुम पल नवालों निरखूने त्रे मेरे जीव के ए जीवन मेरे जीव के ए जीवन घरों रिजवी खान के फिरे दिन दस बीस चर्चा बात रसूल की उम्मीद नहीं जगदीश उम्मीद नहीं जगदीश। सब सुंदर साथ ने दिल्ली की रूहल्ला खान में एक सराय थी जिसमें सभी ठहरे हुए थे। आपस में विचार विमर्श किया कि औरंगजेब जो सारे देश पर शरीयत अपनी थोपना चाहता है, कट्टरवादी मानसिकता, उसको कैसे समझाया जाए कुरान की साक्षी देकर। इसलिए उसके दरबार के पांच प्रमुख अधिकारी थे। रिजवी खान एक औरंगजेब के दरबार का प्रमुख अधिकारी था। काजी शेख इस्लाम सबसे बड़ा न्यायाधीश था। शेख निजाम उसका धर्मगुरु था और आकिल खान कुरान का सबसे बड़ा विद्वान था जो सबको शिक्षा दिया करता था। सिद्दीक फौलाद पूरे दिल्ली नगर का कुतवाल था, दिल्ली महानगर का। रिजवी खान के यहाँ 10-20 दिन घूमे केवल वार्ता के लिए कि रिजवी खान को यदि समझा दिया जाता है तो ये राजी हो जाए और औरंगजेब से भेंट करवा दी जाए। सुंदर साथ के मन में एक ही चाहत है कि किसी तरह से औरंगजेब से आमने सामने बात हो जाए, क्योंकि औरंगजेब कुरान का बहुत बड़ा विद्वान था, प्रतिदिन कुरान पढ़ना लिखना उसका पेशा था। उसने जान लिया था कि 11वीं सदी चल रही है और कुरान के अनुसार आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबु जमा को जाहिर होना है। वो कहाँ है इसी खोज में लगा रहता था और हिंदुओं पर अत्याचार भी इसीलिए उसने प्रारंभ किया। सोचा कि यदि मैं हिंदुओं पर अत्याचार करूँगा तो अवश्य इमाम मेहदी को मेरे सामने आना पड़ेगा। उसको ये भी मालूम था कि इमाम मेहदी को हिंदुओं में आना है। मंदिरों को तोड़वाना इसलिए शुरू कर दिया कि मैं मंदिर तोड़वाऊँगा, कभी ना कभी टकराव तो होगा ही। इसके पश्चात एक महीने तक सुंदर साथ शेख निजाम के यहाँ भी घूमते रहे कि निजाम किसी तरह से बात माने, लेकिन सत्ता ऐसी चीज़ है जिसके लिए मनुष्य कुछ भी कर गुजरता है। आप देखिए सत्ता के लिए, वोट के लिए नेताओं को जहाँ कहिए, कब्र पर सिर पटकने को कहिए वहाँ पटकेंगे, कि जिस एक एक मंदिर की खाक छानेंगे। जैसे इलेक्शन जीत जाते हैं सबको भूल जाते हैं। मनुष्य को क्या चाहिए? सत्ता। धार्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही है। गादी पर बैठने से क्या होता है? प्रतिष्ठा मिलती है और ये प्रतिष्ठा मनुष्य को परमात्मा से दूर कर देती है। तभी तो कहा है धनी ने, मार प्रतिष्ठा बेजारो जो दगा तेत बीच ध्यान। हमारे और धनी के बीच में प्रतिष्ठा एक ऐसी बाधा है जो हमारे मन को ऐसी गुलामी की जंजीर में बांध देती है। मन सोचता है कि अरे हजारों लोग मुझे मत्था टेकने वाले हैं, मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। मनुष्य जब धरातल पर आता है तब सोचता है कि मैं तो कुछ भी नहीं था,
किंतु गादी पर बैठते ही जब हजारों लोग जय जयकार लगा रहे हों, पंक्ति में खड़े हों कि कब महाराज श्री के दर्शन मिले, तो उस व्यक्ति को क्या आवश्यकता है भक्ति भाव करने की? उसके अंदर विनम्रता कहाँ से आ सकती है? सेवा की भावना कहाँ से आ सकती है? अब सबने ये सोचा कि रुक के तैयार किया जाए। एक शेख वाजिद एक फकीर था, उससे भी बात की गई लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। आगे आप देखेंगे बीतक में एक प्रसंग आता है, वृत्तांत मुक्तावली में वो प्रसंग दिया हुआ है, मूल बीतक में नहीं है। इसी शेख वाजिद फकीर के तकिए में, यानी जो निवास स्थान था, वहाँ औरंगजेब से श्री जी की वार्ता होगी। भेष बदल कर वहाँ आएगा, सारी बात हो जाएगी, फिर कहेगा कि मैं शरीयत नहीं छोड़ पाऊंगा। जानता है, लोग सोचते हैं कि हम बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो शरीयत छोड़ देंगे, छूटती नहीं है। 80-80 साल के लोग हो जाते हैं, मूर्ति पूजा नहीं छोड़ पाते। जिसको ध्यान का चस्का लग जाएगा, जो ध्यान में डूब जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, वही केवल बाह्य कर्म कांडों को छोड़ सकता है। नहीं तो पुलस रात कही खंडे की धार, जो कर्मकांड के बंधनों में एक बार जकड़ गया उसका निकलना बहुत कठिन होता है, यदि विवेक पैदा हो जाए तो। अब 5 रुके तैयार किए गए, जिसमें क्यामत के 7 निशानों की पहचान लिखी जाती है, कांजी भाई को दिया जाता है। क्यामत के 7 निशान कौन कौन है? कुरान में इसका जिक्र है, मौलवी मौलाना बार बार इसका वर्णन किया करते हैं, किंतु इसके वास्तविक आशय को कोई नहीं जानता। एक निशान है, जब क़यामत आएगी तो ईसा रूह अल्लाह आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, जिब्रील और इसराफील आएंगे, चारों को रहना आवश्यक है। उस समय सूरज पूरब के बदले पश्चिम में उगेगा, इसका भाव क्या है? खुदाई इल्म परम धाम का ज्ञान जब हिंदू तन में आया तो मुसलमानों के लिए विपरीत दिशा का हो जाएगा। मुसलमान शरीयत में बंधे होने के कारण उस ज्ञान को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि इमाम मेहदी तो पर्दे में आएंगे, पर्दा लिखा वास्ते आवने हिंदू माए, लेकिन वो सोचते हैं कि जाहिरी पर्दा लगा करके, नकाब लगा कर इमाम मेहदी आएंगे। ऐसा क्यों आएंगे? नकाब लगाने की क्या जरूरत है? पर्दे में आना यानी हिंदू तन में आएंगे, जिससे मुसलमान पहचान नहीं पाएंगे, और शरीयत में फंसे होने के कारण हकीकत मारिफत की बातों को वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि यह तो हिंदू वैरागी की आवाज़ है। इसलिए मुसलमानों के लिए सूरज उगा हुआ तो रहा लेकिन वो बिना रोशनी का रहा। इसका आशय क्या है? मुसलमानों को उसके ज्ञान का पूरा प्रकाश मिल नहीं पाएगा। पश्चिम में उगना यानी हिंदुओं के विपरीत, हिंदू तन में आने से मुसलमानों के लिए वो पश्चिम का रहा। दूसरा है, एक निशान है, 3 फौजें होंगी, आजूज माजूज जाहिर हो जाएंगे। आजूज माजूज की जो फौजें होंगी, 4 लाख फौजें होंगी, आजूज 100 गज का होगा, माजूज 1 गज का होगा। इसका भाव क्या है? मनुष्य दिन में चारों तरफ काम करता है, हाय तोबा मचाए रहता है, चाय पीने की भी फुर्सत नहीं, नहाने की भी फुर्सत नहीं, क्यों? काम करना है। रात को बेचारा सो जाता है थक हार कर, तो उसकी वृत्तियाँ एक तरफ ही रहती हैं, शरीर पर केंद्रित हो जाती हैं, उस शरीर को भी भूल जाता है। इसलिए आजूज को 100 गज का, माजूज को 1 गज का कहा गया है। दिन और रात्रि रूपी ये 2 चूहे हैं जो मनुष्य की आय को समाप्त करते जाते हैं। अष्टधातु की दीवार का वर्णन आया है, शरीर अष्टधातु का है। अष्टधातु एक कौन है? रसात रक्तम ततो मांसम मांसात मेधा प्रजायते मेद सो स्थितो मज्जा मज्जात शुक्र संभवत। ये 7 धातुएं हैं, 8वीं धातु ओज कही जाती है। अष्ट धातु का शरीर है, जब आजूज माजूज प्रकट होंगे तो अष्ट धातु की दीवार टूट जाएगी। क्यामत का जब समय आ जाएगा तो
अलौकिक तारतम ज्ञान के प्रकाश में जीते जी मनुष्य मर जाएगा, क्योंकि अलौकिक ज्ञान को ग्रहण करके वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे परम धाम में विराज विहार करेगा। इसी को कहते हैं क़यामत के समय आजूज माजूज की दीवार, आजूज माजूज आएंगे जो अष्टधात की दीवार को तोड़ देंगे, क्योंकि शाम तक तोड़ी जाती है, थोड़ी सी बची रहती है सवेरे बढ़ जाती है तृष्णाएँ। मनुष्य जितने कर्मकांड के मार्ग अपनाता है तृष्णा का बीज रह जाता है और वो संसार सागर में भटकता रहता है। जो पहले आप मुर्दे हुए तीन दुनी करी मुर्दार, तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर कोई भी मन से जीवित नहीं रहेगा, इसको कहते हैं आजूज माजूज का जाहिर होना है। तीन फौजें हैं, प्रातः दोपहर और सायं, साला सुबह और तुप, इसी को प्रातः दोपहर और सायं कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो 400,000 में 360 से भाग देंगे तो 1100 होता है। इसका आशय क्या है? 11वीं सदी में क़यामत के समय के आने का समय निश्चित होता है। 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजर तमाम लिख्या बीच सिपारे आम 30वां सिपारा जागोना, ये सारे उदाहरण सहित दिखे जाते हैं। एक निशान है दाबतुल अर्थ जानवर प्रकट होगा। दाबतुल अर्थ जानवर क्या है? ऐसा विचित्र मानव प्रकट होगा, ऐसा विचित्र जानवर प्रकट होगा जिसकी आंखें सुअर की होगी, पीठ गिदड़ की होगी, सिर मुर्गे का होगा, छाती शेर की होगी। इसका भाव क्या है? मनुष्य की प्रवृत्ति में ये दुष्प्रवृत्तियां आ जाएंगी। जैसे सुअर गंदगी को देखता है, मनुष्य की दृष्टि पवित्र नहीं रहेगी, उस समय वासना की दृष्टि देखा करेगा, संसारिक रिश्तों को पवित्र रिश्तों को भूल जाएगा। पीठ गिदड़ की मनुष्य धार्मिक त्याग तप से अलग हो जाएगा, त्याग की भावना समर्पण की भावना नहीं रहेगी, केवल स्वार्थी बन जाएगा। इसको कहते हैं पीठ गिदड़ का होना। शादी विवाह में लाखों रुपये उड़ा देगा, किंतु धर्म के लिए किसी गरीब को दो रोटी खिलाने में भी उसको बहुत परेशानी होगी। छाती शेर की, शेर जब किसी जानवर को मारता है, उसका खून पीता है, तो उसको दया नहीं आती कि कितनी करुणा से ये प्राणी चिल्ला रहा है। वैसे मनुष्य का हृदय इतना क्रूर हो जाएगा कि किसी दूसरे को पीड़ा देने में उसको जरा भी दया नहीं आएगी। ये है मनुष्य के अंदर शेर की छाती का दोष हो जाना। मुर्गे की गर्दन, अपना सिर झुकाना वह किसी के सामने नहीं चाहेगा, बड़ों को प्रणाम करने में भी उसको बोझ लगेगा। ये है मुर्गे की गर्दन का होना। यह ऐसा जानवर तो कोई होता नहीं, मनुष्य में ही जानवरों के सारे दोष आ जाएंगे। एक दोष क्या है? एक और लक्षण होगा, काना दज्जाल गधे पर सवार होगा। अब बताइए, और उसका सिर आकाश को छू रहा होगा और पैर, गधे का पैर कहाँ होगा? पाताल में। इतना बड़ा यदि कोई सवार आए गधे पर बैठकर गिर जाए तो क्या होगा? दुनिया बचेगी? ये अलंकारिक वर्णन है। विराट पुरुष कहाँ से कहाँ तक है? पाताल से लेकर वैकुंठ निराकार तक। विराट पुरुष की जो सृष्टि है, नारायण की सारी सृष्टि है, कहाँ तक है? सभी प्राणियों के अंदर। इसकी दृष्टि बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी कोई नहीं है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, इसलिए जीव सृष्टि बहिर्मुखी देखती है, बहिर्मुखी है, वो बाहर की तरफ देखती है। परांचि खान व्यतिरत संभो तस्मात परांग पश्यत न अंतरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मान अवृत चक्षु अमृतो इच्छन। कठोपनिषद का यह कथन है। कठोपनिषद कह रहा है कि परमात्मा ने 5 इंद्रियां बनाई हैं जो बाहर की तरफ देखती हैं। कोई धैर्यशाली होता है जो अंतर्मुखी होता है और अमृत तत्व की इच्छा करता है, अन्यथा सारा संसार कर्मकांड के बंधन में बंधा हुआ चला जा रहा है। ये उपनिषद का कथन क्या संकेत करता है? ये जीव सृष्टि की प्रवृत्ति को द्योतित कर रहा है।
जीव सृष्टि कर्मकांड के बंधनों में बंधकर केवल बाहर की तरफ देखती है। आप देखेंगे शालिग्राम की पूजा हो, शिवलिंग की पूजा हो, वृक्षों की पूजा हो, नदियों की पूजा हो, इसी में जीव सृष्टि लगी रहेगी। समाधि लगाना, ध्यान करना, अपनी आत्मा के अंदर अंतर्यामी उस परमात्मा का साक्षात्कार करना जीव सृष्टि की मानसिकता में बहुत कम होता है। इसलिए इसको काना कहा गया है कि बाहर की आँख तो है, अंदर की आँख नहीं है। यानी कर्मकांड का प्रभाव बहुत बढ़ गया होगा, ये आशय है। और जीव सृष्टि क़यामत के समय में आए हुए श्री प्राणनाथ जी के अलौकिक तारतम ज्ञान की पहचान नहीं कर पाएगी, परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला को नहीं जान पाएगी। इसीलिए कहा गया है कि वो गधे पर सवार होगा। गधा क्या है? मूर्खता का प्रतीक है। उसकी अलौकिक जागृत बुद्धि के ज्ञान को भी स्वीकार करने की उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। यह है क़यामत के निशान, सूरज का पूरब के बदले पश्चिम में उगना, अंधेरे जैसा होना, उनके लिए सूरज में प्रकाश नहीं दिखेगा। यानी तारतम्य ज्ञान के अवतरण होने पर भी शरीयत के मानने वाले मुसलमान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। क़यामत के इन सातों निशानों को श्री जी ने रुक्के में लिखवाया। फारसी भाषा में 5 रुक्के बनाए गए। कांजी भाई इसको ले जा कर के सबको देते हैं, काजी शेख इस्लाम को, शेख निजाम को, रिजवी खान को, आकिल खान को और सिद्दीक पोलाद को। सबसे कुछ दिनों के बाद पूछते हैं कि आप इसको उत्तर दीजिए। सब एक दूसरे पर टालते रहते हैं। सिद्दीक पोलाद तो कह देता है कि भाई मैं क्या करूं, मुझे कुरान थोड़े आता है, ये तो मौलवी मौलानाओं का काम है, मैं तो कुछ दूसरा काम करता हूँ। किसी को मारना पीटना हो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। कांजे भाई कहते हैं कि देखिए, मेरा जो फकीर है जिसने मुझे ये रुके दिए हैं, वो तो कहीं पहाड़ पर रहता है, आप यदि इनका उत्तर नहीं देंगे तो मेरा पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, मेरे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। कांजी भाई सिर पर कफन बांध कर ये सारा कार्य कर रहे हैं। ये वो जमाना है जब औरंगजेब से धर्म के विषय में बात करने का अर्थ होता है पहले ही मौत को सिर पर ढोना। कोई जीवित बचकर नहीं आया औरंगजेब के पास धर्म के विषय में, जो भी गया, चाहे गुरु तेग बहादुर हों, कई सूफी फकीरों को भी उसने फांसी पर लटकवा दिया। जो बात उसको अच्छी न लगे, औरंगजेब को एक ही बात मालूम है कि इसको फांसी पर लगा दो। अब महीनों तक सुंदर साथ भटकते रहते हैं। एक बात अब निश्चित की जाती है कि क्या किया जाए। नंदलाल घड़ियालची जो जामा मस्जिद में घंटे बजाया करते हैं, उनका परिवार जागृत हो जाता है और उनके माध्यम से एक रास्ता निकाला जाता है कि रात को चुपके से एक रुका वहीं पर चिपका देंगे। उस रुके में लिखा रहता है कि जो इस रुके को पढ़े बिना अंदर जाएगा नमाज पढ़ने के लिए, उस पर खुदा की लानत है। कुरान के उदाहरण देकर क़यामत के सातों निशानों का वर्णन किया गया होता है और कहा जाता है कि इमाम अकरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमात जाहिर हो चुके हैं, उनसे मिलना हो तो कोई भी मिल सकता है। रुका को पढ़ पढ़ करके सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बात औरंगजेब बादशाह तक पहुँचती है। औरंगजेब शेख सुलेमान को बुलाकर डांटता है कि निश्चित है कि मेरी खोज करने वाले मुझसे मिलने के लिए मोमिन तड़फ रहे होंगे, तूने उनको मिलने नहीं दिया, परिणाम यह है कि उनको रुका चिपकाना पड़ा। बादशाह ने कह दिया कि कह दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, ये मुनादी फिरा दो। शेख निजाम के बेटे अब्दुल्ला को शेख सुलेमान की जगह नियुक्त किया गया होता है, लेकिन जानते हैं यदि मन में खोट हो तो बादशाह क्या करेगा, बादशाह का कार्य तो आदेश देना होता है। जब कर्मचारी विश्वासघात करें तो बादशाह भी सारा काम तो वह नहीं करेगा। उसने रुके में उसने मुनादी क्या फिरवाई कि बादशाह ने कहा है कि जिसको मिलना हो मिल ले। अब परिणाम यह होता है कि सारा नगर औरंगजेब बादशाह से मिलने के लिए चला जाता है। जब वो जुमे की नमाज शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ी जाती है,
उसको पढ़कर जब वो खड़ा होता है घोड़े पर, तो नगर चला आ रहा होता है। सब लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन से यानी प्रार्थना पत्र ला करके देते जाते हैं। लालदास जी भी रहते हैं, लालदास जी जब रुका देते हैं और कहते हैं कि वो रुका हमने चिपकाया था, लेकर के अब्दुल्ला उसको फाड़ कर रख लेता है, बादशाह को देने के लिए नहीं रखता। परिणाम क्या होता है, लालदास जी शोर मचाते रहते हैं कि अरे भाई हमने रुका चिपकाया था, बादशाह हमसे मिलना चाहता है, आप क्यों नहीं मिलाते। तब तक देर हो रही थी, औरंगजेब बादशाह अपने घोड़े को एंड लगाता है, घोड़ा दनदनाते हुए निकल जाता है। लालदास जी दौड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अरबी घोड़े के समकक्ष लालदास जी कहाँ से दौड़ लगा सकते थे। अब सुंदर साथ आपस में प्रयास विचार करता है कि क्या किया जाए, न तो ये रुका पढ़ने को तैयार है, न बात करने को तैयार है, औरंगजेब से किसी तरह से मिलने नहीं देते। तो अब सोचते हैं कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर हम स्वयं पढ़ेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। कई दिन तक सुंदर साथ जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर सनंद की चौपाइयों का गायन करते हैं। अच्छा तो सबको लगता है, लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि हिंदी भाषा में कही हुई इस सनंद वाणी को हमें नहीं सुनना है, हमें मानना नहीं है। अब कोई चारा नहीं रह जाता। जब आप महान कार्य के लिए निकलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ विशेष त्याग करना पड़ता है। सब सुंदर साथ सोचते हैं कि धामधनी बहुत समय हो गया इनके पास, हाथ जोड़ते जोड़ते कोई मिलाने के लिए तैयार नहीं। लालदास जी कहते हैं कि धामधनी अब आर पार की ही लड़ाई होगी। 12 सुंदर साथ को तैयार किया जाता है, सबको कह दिया जाता है कि जो स्वेच्छा से राज्य के महान कार्य के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो वो हमारे साथ आ जाए। ऊपर से तो सभी कहते हैं कि हम भी तैयार हैं राज्य के लिए, हम कुर्बानी करने को तैयार हैं, लेकिन जब समय आता है तो दिल दहल जाता है, लोग भाग छूटते हैं। आज़ादी की लड़ाई में आप देखिए, जो गुरुकुल के बच्चे थे फांसी का फंदा अपने हाथ से लेते थे, कोई मौत का डर नहीं है। मनुष्य के विचार ही उसको बहादुर बनाते हैं, मनुष्य के विचार ही उसको कायर बनाते हैं। शरीर के मोटा ताजा होने से कोई वीर नहीं होता, वीरता कहाँ से आती है, विचारों से आती है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ऐसे नहीं कि पहलवान थे, क्रांति के कारी विचार उनके अंदर आए तो उन्होंने देश के लिए अपना त्याग किया। सुभाष चंद्र बोस हों, खुदीराम बोस हों, जो भी हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए, फांसी का फंदा हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में डाल रहे हैं और मुस्करा रहे हैं कि मैं इस देश के लिए, भारत माता के लिए अपने प्राण दे रहा हूँ। उस समय तो मुगल शासन था, लोगों में इतना आत्मबल नहीं था, फिर भी जिन्होंने तारतम वाणी का प्रकाश पा लिया वो सोचते हैं कि हमारे मूल तन तो परम धाम में है, शरीर छोड़ेंगे धनी के चरणों में पहुँचेंगे, और साक्षात धनी तो महामती जी के धाम हृदय में हमारे साथ है, हमें मरने का क्या डर है। ये आतंकवादी क्यों इतना अत्याचार कर रहे हैं, आतंकवादियों को ये सिखा दिया जाता है कि देखो जो भी गैर मुस्लिम है वो काफिर है, उसको मारो, उसको मारोगे तो अरसे अजीम में तुम्हें जन्नत में ये कमरा मिलेगा, वहाँ हूरे मिलेंगी, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, हीरे मोतियों के पलंग रहेंगे, और आतंकवादी प्रशिक्षण में उनको कमरे की चाबी भी पकड़ा देते हैं। बुद्धि के शत्रुओं को ये पता नहीं होता कि जब तुम मरोगे तो ये चाबी लेकर थोड़े जाओगे कि तुम्हें ये कमरा मिलेगा, लेकिन मस्तिष्क है नहीं, मस्तिष्क को ऐसा बना, जिसको कहते हैं ना ब्रेन बास, उनके विचारों को ऐसा परिवर्तित कर दिया जाता है कि 12 साल का बच्चा भी राइफल लेकर या अपने शरीर में बम बांधकर आत्मघाती दस्ते में शामिल हो जाता है। ये 12 सुंदर साथ हैं, अब सोचते हैं कि नहीं अब कब तक हम एक एक के आगे गिड़गिड़ाया करेंगे कि हमें बादशाह से मिलवा दो, हमें बादशाह से मिलवा दो, हम परम धाम की ब्रह्मात्मा हैं, अक्षरातीत की अर्धांगिनी हैं, अब हमसे ये काम नहीं होगा। लालदास जी ने सबके लिए वस्त्र फकीरों के सिलवा दिए, तैयार करवाए दिए।
कौन थे? खंभात से सुंदर साथ भी हैं सोमजी भाई, खिमाई भाई बुंदेलखंड से, चिंतामणि ठट्ठे नगर से और लालदास से, दिल्ली से शेख बदल हैं और कायमुल्ला जो नानिया फिरके का था वो भी शामिल हो गया। भले ही बाहरी पहचान थी लेकिन उसने यथार्थता को समझा और 12 सुंदर साथ के साथ वो शामिल हो जाता है। दिल्ली के जो भी बनारसी दास हैं, अनंतराम हैं, ये सारे सुंदर साथ शामिल हो जाते हैं। दिल्ली के कई सुंदर साथ हैं। इन 12 सुंदर साथ ने मिलकर ये निर्णय किया, बनारसी दास, गंगाराम, अनंतराम, ये सारे सुंदर साथ सब मिलकर 12 औरंगजेब को पैगाम देने के लिए शामिल हो जाते हैं। श्री जी से सब सुंदर साथ कहते हैं कि धामधनी, हम भोजन तैयार करके आपको समर्पित करते हैं। हम नहीं जानते कि जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि अब तक का इतिहास यही रहा है कि दिल्ली में धर्म के मामले को लेकर औरंगजेब के पास जाने का अर्थ है मृत को गले लगाना। आज दिन तक कोई जीवित वापस लौटा नहीं था। सुंदर साथ को विश्वास था कि हमारा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे साथ धामधनी है। जो कुछ ऐसे भी थे जो ऊपर से तो बोलते थे कि हमको तो कहा ही नहीं गया कि तुम भी शामिल हो जाओ, अंदर से चाहते थे कि हमको कहा नहीं जाए, कौन अपनी गर्दन कटवाए। गोवर्धन दास जी का कहीं नाम नहीं आएगा। आपने देखा गोवर्धन दास जी पहले ही चले जाते हैं। सब लोग, मृत्यु से बहुत डर लगता है प्रायः प्राणी को, कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। मृत्यु से अभय कौन होगा? देखिए, युद्ध के मैदान में जब एक व्यक्ति प्रहार कर रहा हो तो उसको प्रहार करने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि एक जोश होता है, जनून होता है कि ये मुझे मार रहा है तो मैं भी उसको क्यों ना मार दूं। लेकिन कहीं ना कहीं मृत्यु का भय सबके अंदर समाया होता है। मृत्यु से कौन नहीं डरता है? जो ब्रह्मज्ञानी होगा केवल वो नहीं डरेगा, नहीं तो संसार का बड़ा से बड़ा वीर भी मृत्यु से घबराता है। ऐसा नहीं कि आतंकवादियों को डर नहीं लगता। आतंकवादी जब अकेले में पड़ेंगे, जब मृत्यु आएगी तो उनको भी लगेगा। हिंदू तो सोचता है कि मरने के बाद फिर हम दोबारा शरीर धारण कर लेंगे। मुसलमान तो सोचते हैं कि अब तो दोबारा ये दुनिया देखने को नहीं मिलेगी, कब्र में ही बैठे रहना होगा। तो मुसलमान ज़्यादा डरते हैं। हाँ, क्रूरता उनके अंदर होती है, इसलिए दूसरों को मारने में उनको दया नहीं आती है। हिंदू दयालु होता है लेकिन क्रूरता उसमें नहीं होती। वो सोचता है कि करेंगे क्या, मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, फिर जन्म लेंगे, फिर आएंगे। और यही कारण है इतिहास में कई घटनाएं मिलती हैं कि हिंदुओं ने बिना किसी लोभ लालच के त्याग किया है। आप सोचिए, जब अलाउद्दीन खिलजी से रत्न सिंह की हार हो जाती है तो हजारों छत्राणियों के साथ पद्मिनी चिता में जौहर कर लेती है कि अगले जन्म में भी मैं रत्न सिंह की पत्नी बनूं। विश्वास है कि हमारा कभी अलगाव नहीं होगा। अब श्री जी को भोजन कराकर सुंदर साथ आग्रह करते हैं कि धामधनी, आप कामा पहाड़ी पर चले जाइए। और ये सारे सुंदर साथ सवेरे जाकर के जामा मस्जिद में सनंद ग्रंथ की चौपाइयों का गायन करने लगते हैं। जो जामा मस्जिद का इमाम होता है वो बाहर निकल कर आता है और देखता है कि ये तो बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं, मोहम्मद की वास्तविक पहचान दे रहे हैं, इस्लाम की वास्तविक पहचान दे रहे हैं। हर कार्य का एक समय होता है, समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो समय से पहले चाहता है, आज वृक्ष लगाएंगे तो चाहेगा कि कल फल आ जाए, शाम तक फल आ जाए, ऐसा नहीं होता। जो इस सृष्टि का विधान है वो समय पर ही होगा। आज आप चितवनी करने बैठे हैं तो आज ही आपको राजी आकर दर्शन नहीं देंगे, आपके विकार दूर होंगे, आपकी आस्था को परिपक्व किया जाएगा। जैसी आपकी भावना रहेगी, जितना आपका त्याग रहेगा, समर्पण की भावना रहेगी, उसी के अनुपात में राज्य आप पर कृपा करेंगे। अब
सब सुंदर साथ को जामा मस्जिद का इमाम औरंगजेब बादशाह के पास ले जाता है, क्योंकि इमाम को यह अधिकार था कि किसी भी समय बादशाह से वो मिल सकता था। इसके पहले उसी जामा मस्जिद में कई बार सनंद की वाणी का गायन किया गया, लेकिन समय नहीं आया था, इसलिए जामा मस्जिद के इमाम को भी पता नहीं चल पाता था। उस दिन बिना परिश्रम के इमाम को यह खबर लग गई और सबको लेकर कहता है कि बोलो मोमिनो, तुम क्या चाहते हो? सबने कहा कि हम बादशाह से मिलना चाहते हैं। हाथ पकड़कर सबका ले गया कि चलो अच्छी बात है, मैं मस्जिद का इमाम हूँ और तुमको बादशाह से भेंट करा देता हूँ। इमाम ने सूचना भिजवाई कि कुछ विशिष्ट लोग आए हैं इमाम मेहदी का पैगाम लेकर, बादशाह आप आइए इनसे मिलिए। बादशाह चबूतरे पर आकर खड़ा हो जाता है। मोमिन क्या बोले? सुंदर साथ ने ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलल्लाह कहकर अपनी प्रस्तुति दी कि हम आपसे मिलने आए हैं। बादशाह कहता है कि बताओ आप क्या चाहते हो? सब सुंदर साथ ने मिलकर कहा कि बादशाह हम आपसे कुछ नहीं चाहते, संसार की कोई बात नहीं चाहते, केवल आपसे बातें करना चाहते हैं और भी कुरान से संबंधित। आखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबु जमा और ईसा रूह अल्लाह के जाहिर होने से संबंधित, क़यामत के सातों निशानों से संबंधित, लेकिन हमारी शर्त है कि हमारे और आपके बीच जब वार्ता चल रही हो तो आपका कोई भी अधिकारी इसमें दखलंदाजी न दे, क्योंकि ये यही शेख सुलेमान है, हम कई बार मिले, इसने मिलने नहीं दिया। ये शेख निजाम है, ये रिजवी खान है, ये आकिल खान है, सबके पास हम कई कई बार गए हैं लेकिन किसी ने मिलने नहीं दिया। अब सारे दरबारी थर थर कांप रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि जरा सी बात हुई औरंगजेब को तो एक बात आती है, इनको सीधे फांसी पर चढ़ा दो, सुनता ही नहीं कि भाई कम से कम कोई अपनी फरियाद भी कर सके कि हमारा गुनाह नहीं है। औरंगजेब के मन में आया कि फांसी देनी है तो देनी है, जो अपने सगे बड़े भाई दारा सिकोह को नहीं बख्शता, सगे बाप को नहीं बख्शता, सबको बाप को भाइयों को सबको मरवा डालता है केवल सत्ता के लिए, उसके पास कोई रहम दिल नहीं है, क्या कहा जा सकता है। अंत में सारे दरबारी एक हो गए, कहते हैं कि बादशाह सरा इजाज़त नहीं देती कि अपरिचित लोगों से आप अकेले में बात करें। देखिए इनमें जो दो हैं ये शेख बदल और एक कायमुल्ला, ये तो दिल्ली के हैं, और ये जो गंगाराम हैं बनारसी दास हैं, इन लोगों की दिल्ली में दुकानें हैं, ये यहाँ के कब से ये मुसलमान फ़कीर हो गए, इन्होंने तो मुसलमान फ़कीरों का भेष धारण कर रखा है। ये भी तो षड्यंत्र हो सकता है कि आपसे अकेले में मिलने की बात करके ये आपकी अकेले में हत्या कर सकते हैं। औरंगजेब बादशाह बहुत बहमी था, उसको संसार में किसी पर विश्वास नहीं था। हिटलर और औरंगजेब दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिनको किसी पर संसार में विश्वास नहीं था, यहाँ तक कि अपनी पत्नी पर भी नहीं। हिटलर अपनी पत्नी से भी नहीं मिलता था, दूर खड़े होकर के बातें करता था, उसको डर लगता था कि कहीं मेरी पत्नी मुझे न मार डाले। औरंगजेब को न अपने बेटों पर विश्वास था, न अपनी बेटी पर विश्वास था, न अपनी पत्नी पर विश्वास था, अपने परिवार के लोगों की भी वह जासूसी कराता था, इसलिए अपने किसी उत्तराधिकारी को तैयार ही नहीं कर पाए। संसार में हर रोग का इलाज होता है, किंतु वहम का रोग ऐसा है जिसका कोई इलाज करने वाला आज तक नहीं हुआ। जब आप किसी से विश्वास ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसलिए नीतिकार ने क्या कहा है, न विश्वसित अविश्वस्त, जिस पर विश्वास न हो उस पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, किंतु विश्वस्ते अपना अति विश्वसित, जिस पर विश्वास हो उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वासी व्यक्ति यदि धोखा देता है तो जड़ से ही विनाश हो जाता है। विश्वासात भयम उत्पन्नम मूलान अपनिकृन्तत, जिस पर विश्वास हो यदि वो विश्वासघात करेगा तो कुछ बचेगा नहीं, जड़ से विनाश हो जाएगा। अब सिद्दीक फौलाद को सौंप दिया जाता है यह कार्य कि वह जांच करे कि ये 12 लोग कौन हैं,
क्योंकि ये तो सिद्ध हो गया कि इसमें दो मुसलमान हैं और 10 हिंदू हैं, और ये दोनों मुसलमान दिल्ली के ही रहने वाले शेष जितने कई सुंदर साथ हैं, ये जो बनारसी दास हैं, अनंत राम हैं, चंचल जी हैं, चंचल दास हैं, ये सारे हिंदू हैं, इन्होंने मुसलमानी फकीरों का भेष धारण कर रखा है। सिद्दीक फौलाद क्या करेगा? आप जानते हैं कोतवाल सिद्दीक फौलाद एक बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का था, इसी ने शिवाजी को गिरफ्तार किया था। उसके हृदय की कठोरता इतनी थी कि बड़े बड़े अपराधी उसका नाम सुनते ही कांपने लगते थे, और सिद्दीक फौलाद जानते हैं पुलिस कैसे कारागार में व्यवहार करती है। शाम का समय था, रात्रि में उसने पूरी तरह शारीरिक प्रताड़ना दी। शारीरिक प्रताड़ना में सब कुछ किया जाता है। आजकल जो सीबीआई वाले क्या करते हैं, या अंग्रेजी ज़माने में जो कैद किए जाते थे क्रांतिकारी, उनको शरीर नंगा करके बर्फ के ऊपर लिटा दिया जाता था, और भी यातनाएं दी जाती थी। आजकल तो मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप के कारण ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता, फिर भी अभी काफ़ी कुछ टॉर्चर किया जाता है। जितनी शारीरिक प्रताड़ना हो सकती थी उसने दिया, लेकिन किसी भी सुंदर साथ ने अपना भेद नहीं खोला। सभी यही कहते रहे कि हम अखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी के संवाहक संदेशवाहक हैं। प्राणनाथ जी कहाँ हैं कोई नहीं बताता। अब मारते मारते सिद्दीक फौलाद भी थक करके चूर हो जाता है और लिख कर भेजता है कि यदि किस कोई मुसलमान भी होता उसको मैं इतनी मार लगाता तो कह देता कि नहीं मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन ये सचमुच में अखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी पर कुरान पर अटूट निष्ठा रखने वाले हैं, ये संदेश भेज देता है। सभी दरबारियों ने यही बात कही थी कि यदि शाहजहां के समय में ऐसे कोई बोला होता, क्योंकि औरंगजेब के साथ वार्ता करते समय सुंदर सात घबराए नहीं थे, सबने दृढ़ता से जोश भरी आवाज में औरंगजेब से बात की थी। सब डर गए थे कि आज तक औरंगजेब के सामने किसी को इतनी तेज आवाज में बोलने का साहस नहीं हुआ। शाहजहां के दरबार में कि यदि कोई ऐसा बोलता तो उसकी गर्दन काट दी जाती। जब ये इतने भरे दरबार में ये 12 मोमिन इमाम मेहदी के जो आदमी कहला रहे हैं इतनी जोशीली आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो अकेले में तो औरंगजेब को मार ही डालेंगे। और जानते हैं औरंगजेब कोई ज़्यादा हट्टा कट्ठा नहीं था, खिचड़ी खाता था बेचारा, शरीर में ताकत थी नहीं, लेकिन तिकड़म बहुत जानता था। उसके सामने कोई आकर तेज आवाज़ में बोलता था तो कुछ नहीं बोलता था, जब वापस जाने लगता था कह देता कि इनको 1 फुट नीचे कर दो, 1 फुट नीचे का मतलब गर्दन काट दो। हमेशा हाथ में माला लिए रहता था, दुनिया को कहता था देखो मैं तो फकीर हूँ, मुझे दुनिया से क्या लेना देना, और राजसत्ता के लिए लाखों का खून करने में उसको कोई परहेज नहीं था। ये राजनीति का एक ढंग होता है, अंदर से कुछ और होना और बाहर से कुछ और होना। जैसे औरंगजेब के हाथ में हमेशा माला, कुरान लिखता है कि मैं तो कुरान लिखकर अपने पेट चलाता हूँ, मुझे सत्ता से मोह नहीं है, मैं तो सचमुच फकीर हूँ। आज के कट्टरपंथी विचारधारा वाले औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं कि वो तो पीर था। पीर था तो पूछा जाए लाखों लोगों की हत्या क्यों कराता था? हाँ जरूर है, उसके अंदर परमधाम की सकुमार की आत्मा है, किंतु ऐसे जीव पर बैठ गई है जैसे बिहारी जी के ऊपर परमधाम की आत्मा है रतनबाई की, लेकिन बिहारी जी का हृदय कठोर है। जो जीव करेगा आत्मा को वही भोगना पड़ता है। जीव निर्मल है तो आत्मा को शोभा मिलती है, जीव विकारग्रस्त है तो आत्मा पर दाग लग जाता है कि उन्होंने एक काम किया। अब स्थिति यह बन जाती है कि काजी शेख इस्लाम के पास सूचना दी जाती है
क्योंकि जो भी लिखित में भेजेगा काजी शेख इस्लाम के पास भेजेगा। काजी शेख इस्लाम ने ही तो निश्चित किया था कि सिद्दीक फौलाद को सौंपा जाए, और औरंगजेब ने सिद्दीक फौलाद से व्यक्तिगत रूप से कह दिया था कि इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन कोतवाल तो कोतवाल ठहरा, वो अपने मस्जिद के अनुसार सारा कार्य करेगा। अगले दिन जब बुलाया जाता है शेख, काजी शेख इस्लाम का दरबार लगा है, सुंदर साथ पहुँचते हैं और कहते हैं कि काजी साहब, क्या आपका कुरान यही कहता है कि जो मोहम्मद साहब पर ईमान लाए, इमाम महदी पर ईमान लाए, उसके साथ ऐसा व्यवहार हो? आप हमारी पीठ देखिए। सुन के काजी रोया, रो पड़ता है काजी शेख इस्लाम, क्योंकि सुंदर साथ के शरीर पर निशान बने हुए थे यातना के। उसको लगा कि जो हमारे इमाम महदी पर, मोहम्मद साहब पर, कुरान पर विश्वास लाए, उसको हमने यदि प्रताड़ित किया है तो इस गुनाह का कोई प्रायश्चित नहीं होगा। क़यामत के संबंध में बात होती है, तीसरे सिपारे इन्ना इंजल्लाहु फी लैलतुल कद्र मा अदरका पर सुंदर साथ उसको स्पष्ट कर देते हैं। काजी शेख इस्लाम को भी विश्वास हो जाता है कि सचमुच ये इमाम महदी के आदमी हैं। दूसरे दिन पुनः दरबार लगता है, काजी अपने घर पर उनको व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बुलाता है। क़यामत के समय में पुनः पूछता है और लालदास जी सबका यथोचित उत्तर देते हैं, दसवीं ईसा ग्यारहवीं इमाम बारहवीं सदी फजर तमाम, ये लिखा बीच सिपारे हम तीसवा सिपारा चाको नाम, कि कुरान के तीसवें सिपारे में ये बात लिखी है कि दसवीं सदी में ईसा रूह अल्लाह आएंगे, ग्यारहवीं सदी में अखरुल इमाम मोहम्मद महदी आएंगे, बारहवीं सदी में उजाला फैल जाएगा इल्म लतुनी का, और तेरहवीं सदी में सारी दुनिया को बख्शिश मिल जाएगी कि सारा ब्रह्मांड अर्श अजीम के सुख लेने के लिए बहिश्तों में अखंड हो जाए। जब ये बात सुनता है तो मान लेता है कि बेशक आप ही इमाम महदी के आदमी हो। इमाम के रूप में स्वयं अल्लाह ताला की शक्ति आएगी जो कुरान के वेदों को खोलेगी। लेकिन कहता है काजी शेख इस्लाम कि हम विवश हैं, हम मानते हैं कि इमाम महदी जाहिर हो गए हैं, लेकिन आप इसको अभी उजागर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात जाहिर हो जाएगी तो इमाम महदी किसके चरणों में चले जाएंगे? उस हिंदू फकीर के। और हम जानते हैं कि जिसने ये पत्र लिखा है वो कोई जन्म से मुस्लिम नहीं है, लेकिन बातें सच हैं। हम इमाम महदी को तभी जाहिर करेंगे जब हमारा बादशाह स्वीकार कर लेगा, और बादशाह तक इनको सूचना देनी नहीं है, क्योंकि मालूम है कि यदि औरंगजेब बादशाह को पता चल गया कि इमाम महदी आ चुके हैं तो अपनी सल्तनत छोड़कर उनके चरणों की बंदगी करने के लिए चला जाएगा। किंतु शरीयत का नशा ऐसा होता है कि औरंगजेब शेख वाजिद के तकवे में, यानी जो उनका स्थान था, छिप करके मिलता है। सारी बात होती है लेकिन शरीयत को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता। श्री जी तभी कह देते हैं कि बादशाह, यदि तुम शरीयत को नहीं छोड़ते हो तो निश्चित है कि तुम अर्शी अजीम की नियमतों को पाने से वंचित रह जाओगे। लेकिन एक सत्ता औरंगजेब को भी दिख रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ब्रह्मपुत्र से सिंध तक की सत्ता को कौन छोड़े? आजकल तो छोटे छोटे मंदिरों के लिए, आश्रमों के लिए, छोटे छोटे राजनीतिक पदों के लिए कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, और औरंगजेब तो इतना बड़ा बादशाह है, सबको एक साथ कैसे छोड़ सकता है? अब ऐसे वार्ता चलती रहती है। काजी शेख इस्लाम ने सब 12 सुंदर साथ के लिए खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर दी है। पहरा भी ढीला हो गया है, बातें होती रहती हैं और सुंदर साथ अब शांति से रहते हैं। इधर कांजी भाई की सेवा है पत्र पहुंचाने की। कांजी भाई यह सूचना लेकर चलते हैं
कि 12 सुंदर साथ के साथ क्या हुआ। श्री जी कमा पहाड़ी पर होते हैं, कांजी भाई जब सूचना लाते हैं तो श्री जी का हृदय बहुत ही व्यथित होता है और उनके मुख से यही निकलती है ये बात कि मैं इनको जड़मूल से उखाड़ दूंगा। खेल को समाप्त करने का भी आदेश देने का मन होता है किंतु राज जी रोक लेते हैं क्योंकि अभी तो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी उतरी नहीं, छठे दिन की लीला अभी शुरू ही नहीं हुई है, पांचवें दिन की लीला में कैसे खेल को समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि ध्यान रहे मनुष्य को हमेशा धैर्य रखना चाहिए, धर्म का पहला लक्षण धैर्य है। सुख हो दुख हो किसी भी स्थिति में उद्विग्न नहीं होना चाहिए। यदि आप विचलित हो जाते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि आप सच्चे आस्तिक नहीं हैं। जो 12 सुंदर साथ को यातना दी गई स्त्री जी को एहसान नहीं हुआ लेकिन मूल स्वरूप ने अंत प्रेरणा करके उनको प्रलय के आदेश से रोक दिया। अब श्री जी मोमिनों को पाते लिखते हैं, प्रेम भरी पाते, ताकि उनके हृदय में दिलासा हो, सांत्वना हो कि नहीं हम अपने को असहाय न समझें। पहला वाक्य क्या है, मेरे प्राणों के प्रीतम, किसको कहा, उन 12 सुंदर साथ को कि तुमने वह कार्य किया जो आज तक संभव नहीं था और मैं इंद्रावती की आत्मा आपको एक दो बार नहीं करोड़ों बार प्रणाम करती है। आप वहां आपस में मिलजुल करके रहना, किसी लड़काई वाली बुद्धि से जिसकी चंचल बुद्धि हो उससे संगति में नहीं रहना, कभी ऐसा व्यवहार नहीं कर देना जिससे वहां कोई समस्या खड़ी हो। आपको क्या करना है, जैसा बाजा बजे वैसा नृत्य करना। इसका क्या अर्थ है, जैसी स्थिति हो उसके अनुसार आपको कार्य करना है। तरह तरह के सिखापन है बड़ी पत्री में, एक एक मोमिन का नाम लेकर उन्होंने पुकारा है कि सोमजी भाई खम्भात से, लालदास जी चिंतामणि, खिमाई भाई खिमाई बुंदेलखंड से, शेख बदल चंचल, दयाराम गंगाराम, बनारसी दास अनंतराम, आप सभी सुंदर साथ को मैं इंद्रावती की आत्मा प्रणाम करती हूँ और आप मेरे इस प्रणाम को स्वीकार करना। आप इस बात से न घबराना कि हमने मुसलमानी फकीरों का भेष धारण किया, आप उनको वेदों के उदाहरण देकर बल्भाचार्य की सुबोधनी टीका के उदाहरण से, आदित्य पुराण के, भविष्य पुराण के उदाहरण देकर के समझाना, जो कर्मकांडी हिंदू आपको ताना मारे कि ये मुसलमानों के घर जाकर के रहे हैं, उस युग में बहुत अधिक छूत छात थी। कोई हिंदू मुसलमान के पास चला गया, उसका दिया खा लिया तो उसको बहिष्कृत कर दिया जाता था कि इसने मुसलमान का दिया हुआ खाकर अपना धन भ्रष्ट कर लिया है। कहा कि इनसे घबराना नहीं, और तुमने शरीयत से लड़ी है, आपने औरंगजेब के घर में जाकर सीधे शरीयत को चुनौती दी है, आप पर राज्य की पल पल कृपा होती रहे और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आपके ऊपर धनी की मेहर से आपकी महिमा बढ़ती जाएगी, सारा संसार एक न एक दिन आपको याद करेगा। औरंगजेब यदि मिलना चाहे तो उसको कुरान के उदाहरण दे करके, हदीसों से उदाहरण दे करके क्यामत के उजागर होने का प्रमाण देना, समझाना, इस तरह के तरह तरह के सिखापन दिया। उधर से शेख बदल पत्र लाते हैं, श्री जी उसको पढ़ते हैं और पुनः उसका उत्तर लिख देते हैं। रहते रहते कई माह बीत जाते हैं, फिर भी लगा कि कुछ परिणाम नहीं निकलने वाला। औरंगजेब बादशाह डर गया होता है, उसके दरबार के अधिकारियों ने यह डरा दिया होता है कि यदि बादशाह उस हिंदू फकीर के, हिंदू वैरागी के चरणों में जाते हैं तो हम बादशाह को मार डालेंगे। आज भी ऐसा ही होता है। ये मत समझिए कि जो सत्ता पर जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो सब कुछ कर लेता है,
उसके नीचे के जो अधिकारी होते हैं कहीं ना कहीं अंकुश बनाए रखते हैं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो हम आपको मिलकर कर देंगे। दिल्ली की सल्तनत का इतिहास आप देखेंगे, गोरी से लेकर चाहे गुलाम वंश हो, लोधी वंश हो, अफगान वंश हो, मुगल हो, सभी भय के साए में रहे हैं। कब कौन धोखा दे दे, आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी के चाचा ने हत्या कराकर गद्दी पाई, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या करा दी, और जो गुलाम था मलिक काफूर उसने गद्दी पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के सारे परिवार को मार डाल दिया, फिर एक उसके अलाउद्दीन खिलजी के एक अधिकारी ने मलिक काफूर की हत्या की। इनमें ऐसा ही चलता रहता है, कब कौन किसको मार कर गद्दी पर बैठ जाए कहाँ नहीं जा सकता। तो औरंगजेब स्वभाव से ही वहमी था, डरा रहता था, सोचता था कि इमाम मेहदी तो जाहिर हो चुके हैं, कहीं यदि मैं ग्रहण कर लूँ उनके चरण तो ये मेरे अधिकारी मुझे मार डालेंगे, यदि नहीं करता हूँ तो इनसे बात करूँ तो कहीं ये न मार डालें। वो मरने से खौफ खाया हुआ था। शंकराचार्य को एक कपालिक ने कहा कि मुझे सिद्धि करनी है और आपकी गर्दन चाहिए, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, आपको संसार से मोह नहीं। शंकराचार्य ने कहा कि ले लो, कहाँ चलना है। कह दिया कि आप आधी रात को इस मंदिर में यहाँ पर पहुँच जाइएगा, और उनकी बलि देने के लिए उसने सारी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि शंकराचार्य जी ने कपालिक मत का बामार्गी मत का खंडन किया था। वो सोचता था कि यदि शंकराचार्य ब्रह्मज्ञानी हैं तो उनको शरीर से मोह रहेगा ही नहीं, इनको मैं मार दूंगा तो हमारा कोई खंडन करने वाला रहेगा नहीं, हमारा मत फैलता जाएगा। शंकराचार्य ने कह दिया ठीक है मैं पहुँच जाऊँगा। शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ सोए हुए थे, एकांत रात को 12 बजे उठ करके छिप कर चल देते हैं कि कोई मेरा शिष्य जगे नहीं, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो जैसे ही बलि देने के लिए तलवार उठाता है, शंकराचार्य जी का एक शिष्य पहुँच जाता है और अपने योग बल से उनकी रक्षा करता है, कपालिक को मार देता है। आप सोचिए संसार में ऐसा कौन होगा जो अपने विरोधी के मांगने पर कि तुम अकेले चले आना, अपना बलिदान देना है, अपनी गर्दन कटवानी है, कोई भी जीते जी बिना किसी एहसान के क्यों अपनी गर्दन कटवाएगा। क्योंकि शंकराचार्य तो कह चुके हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कपालिक को कहने का अवसर है कि जब ब्रह्म सत्य मानते हैं जगत को मिथ्या मानते हैं तो शरीर भी आपका मिथ्या है, आप शरीर की बलि दे दीजिए तो मैं अपने इष्ट की साधना कर लूँगा। शंकराचार्य को मृत्यु से भय नहीं है, औरंगजेब दूसरों को मरवाता है लेकिन औरंगजेब डरपोक है, वो मरने से डरता है। नादिर शाह ने दिल्ली में खून की नदी बहा दी लेकिन नादिर शाह बहुत मरने से डरता था, तैमूर लंग भी डरता था, जितने क्रूर हुए हैं वो सारे डरपोक रहे हैं। सर्प देखिए, जरा सा खटका होगा सर्प भागेगा, बाघ क्रूर होता है, बाघ बहादुर नहीं होता है, बाघ को पता चलेगा कि यहाँ खतरा है बाघ छलांग लगा कर भागना चाहेगा, हाँ पूरा प्रयास करेगा कि हम दबोच लें, लेकिन खतरा होने पर बाघ भागने का ही प्रयास करता है। गंडे को आप नहीं भगा सकते, गंडा शाकाहारी होता है लेकिन गंडा डरपोक नहीं होता है, उसके अंदर बहादुरी होती है। अब पातियाँ लिखी जाती हैं दोनों तरफ से, सुंदर साध की तरफ से शेख बदल पाती लेकर के पहुँचते हैं और श्री जी उत्तर देते हैं, कांजी भाई लाते हैं। अब श्री जी स्वीकृति मांगते हैं सुंदर साध से कि मैं यहाँ रहकर तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सब सुंदर साध की इच्छा हो तो मैं आगे चलूँ, क्योंकि सारे देश को यदि जगाना है तो लोहा लोहे को ही काटता है। अब औरंगजेब बादशाह के मुकाबले कोई एक हिंदू राजा खड़ा हो तलवार लेकर तभी इनको समझाया जा सकता है, ऐसे ये मानने वाले नहीं है। सुंदर साथ स्वीकृति दे देते हैं
कि धामधनी आपकी जहाँ इच्छा हो आप जाइए। अब श्री जी चलते हैं राजस्थान की तरफ, क्योंकि यदि राजस्थान जागृत हो जाता तो देश कभी गुलामी नहीं होता। राजस्थान में तीन वंश थे, जयपुर का कछवाहा राजवंश, उदयपुर का सिसोदिया वंश और जोधपुर का ये राठौर। तीनों ही सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, तीनों आपस में लड़ते हैं। तीन नहीं लड़ते तो दो लड़ते रहते हैं। कछवाहा वंश देश के नाम पर सबसे कलंकित वंश रहा है। चाहे अकबर के समय में राजा मान सिंह ने देश के सभी राजाओं को हरा हरा कर औरंगजेब अकबर को सत्ता सौंपी, तो औरंगजेब के समय में मिर्जा राजा जय सिंह ने कछवाहा वंश हमेशा देश के विपरीत कार्य करता रहा। अब यदि राजस्थान जागरूक हो जाए, ये तीनों वंश जिस दिन मिल जाते, अकेले इतने में इतनी सामर्थ्य थी कि चाहे अकबर हो बाबर हो किसी से लड़ सकते थे। राणा संगा केवल सिसोदिया वंश के थे, उनसे बाबर की सेना भय के मारे कांप रही थी, लेकिन राणा संगा को भी उन्हीं के सरदारों ने धोखा दिया और जहर दे करके मार दिया था। ये देश गुलाम क्यों रहा कि हिंदुस्तानी ने हिंदुस्तानी को मारा। कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज आए और इस देश पर 300 वर्षों तक राज करते रहे। समाज में जागरूकता कब होगी? ज्ञान के प्रकाश से। जब आप शिक्षा ही नहीं देंगे, धर्म की शिक्षा नहीं होगी, राष्ट्रीय भावना नहीं पैदा होगी, तो भले ही करोड़ों लोग हों अरबों लोग रहते हों क्या कर सकते हैं। दुनिया का लगभग पांचवा हिस्सा इस देश में रहता है। 1,30,00,000,000 इस देश की जनसंख्या है, पांचवा हिस्सा इस देश में रहता है। और देश का पांचवा हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश भी पीछे और दुनिया के औसत से भारतवर्ष भी पीछे। क्यों? शिक्षा की कमी, राष्ट्रीय भावना की कमी, संस्कारों की कमी। हम अपनी संस्कृति को भुला चुके हैं, इसलिए पत्थरों की मूर्तियों के मंदिरों में सिर पटकने से कुछ नहीं होगा। अपनी आत्मा के हृदय में जो प्रीतम है उसको हृदय में बसाइए, उसका ध्यान कीजिए, धर्म ग्रंथों का प्रचार कीजिए, ज्ञान का प्रचार कीजिए। सोने चांदी हीरे मोतियों के महलों जैसे मंदिर बनाने से अच्छा है आप ज्ञान के मंदिर बनाइए जिससे मानवता को ज्ञान मिले। आप ध्यान कक्ष बनाइए, पुस्तकालय खोलिए, तब तो समाज का कल्याण होगा। अन्यथा मिट्टी की मूर्तियां बना बना कर हफ्ते 10 दिन पूजा करके पानी में प्रवाहित करते रहेंगे, नदियों को प्रदूषित करते रहेंगे, आपका धन भी समाप्त होगा, समय भी समाप्त होगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। अब श्री जी राजस्थान की तरफ प्रस्थान करते हैं। इस समय एक बहुत ही अच्छा कीर्तन इसी संदर्भ में है, आप उसे सुनिए। राजा ने मलो रे राणे राय तनो धर्म जाता रे कोई दोड़ो। राजा ने मलो रे राणे राय तनो धर्म जाता रे कोई दोड़ो। जागो ने जो धारे उठ खड़े रहो, जागो ने जो धारे उठ खड़े रहो, नींद नी गोड़े रे छोड़ो। राजा ने मलो रे राणे राय तनो धर्म जाता रे कोई दौड़ो। छूटत है रे खड़ग क्षत्रियों से धर्म जात हिंदुआ,
छूटत है रे खड़ग क्षत्रियों से धर्म जात हिंदुआ, सत ना छोड़ो रे सतवादियों, सत ना छोड़ो रे सतवादियों, जोड़ बढ़ो तुरका राजा ने मालो रे राणे राय तनो धर्म जाता रे कोई दौड़ो। त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म, त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म, ताकि छत्रपति यो कैसी आए रही इत शरम, राजा ने मलो रे राणे राय तनो धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जो धारे उठ खड़े रहो नींद निगोड़ रे छोड़ो, राजा ने मलो रे राणे राय तनो धर्म जाता रे कोई दौड़ो। बात ने सुनी रे बुंदे रे छत्रसाल ने आगे आए खड़ा ले तलवार, बात ने सुनी रे बुंदे ले छत्रसाल ने आगे आए खड़ा ले तलवार, सेवा ने लई रे सारी सिर खेच के, सेवा ने लई रे सारी सिर खेच के, साई किया सेन्यापति सिरदार, राजा ने मलो रे राणे राय तनो धर्म जाता रे कोई दौड़ो। प्रगटे निशान रे धूमर के तू खाए मास पर शुद्ध ना करे अजु कोई इत, प्रगटे निशान रे धूमर के तू खाए मास पर शुद्ध ना करे अजु कोई इत, बेगे ने पधारो रे बुद्ध जिया समय, बेगे ने पधारो रे बुद्ध जिया समय, पुकार कहे महामत राजा ने मालो रे राणे राय तनो धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जो धारे उठ खड़े रहो, जागो ने जो धारे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ रे छोड़ो, राजा ने मलो रे राणे राय तनो धर्म जाता रे कोई दौड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। श्री जी राजस्थान की धरती में प्रवेश करते हैं इस उद्देश्य से कि कोई हिंदू राजा इस मुगल
अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो जाए शरीयत को चुनौती देने के लिए। सबसे पहले वे आमेर आते हैं। आमेर जयपुर के पास पड़ता है, लगभग जयपुर से 10 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ कछवाहा वंश का किला था जिसमें राजा रहा करता था। उस समय बिष्णु सिंह राज्य कर रहे थे। श्री जी ने बहुत प्रबोधित किया लेकिन कहाँ से वो जागृत होने वाला था। राष्ट्रीय भावना किसके अंदर होगी? जिसके अंदर धार्मिक भावना होगी। जो राष्ट्र के साथ घात करता है उसको धर्म से क्या लेना देना। इसलिए अरविंद ने एक बार कहा था कि देशद्रोहियों के शरीर से निकलने वाली दुर्गंध को संसार के सारे गुलाबों की सुगंध भी दूर नहीं कर सकती। जो क्षति अंबिक ने पहुंचाई, जयचंद ने पहुंचाई, मीर जाफर ने पहुंचाई, उसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। राष्ट्रभक्त के नाम पर लोग खुशी से पागल हो जाते हैं और राष्ट्रद्रोही को कोई भी पसंद नहीं करता। युगों युगों तक मानसिंह का कोई सम्मान नहीं करता, राणा प्रताप का हर व्यक्ति सम्मान करता है। सारा संसार राणा प्रताप के नाम के आगे नतमस्तक है लेकिन मानसिंह को और जय सिंह को हर कोई कहता है कि इन्होंने देश के साथ घात किया। अब श्री जी आमेर से संगानेर आते हैं। मुकुंद दास जी उदयपुर में जागनी कर रहे होते हैं, वो आते हैं। पहले संगानेर आते हैं, फिर पता चलता है कि श्री जी आमेर हैं। वहाँ जाते हैं तब तक श्री जी संगानेर आए होते हैं। संगानेर में भेंट होती है। आप देखिए मुकुंद दास जी जब सबसे कठिन समय था परीक्षा का तो भाग आए थे लेकिन परमधाम की आत्मा है, श्री जी छोड़ तो नहीं सकते। लेकिन जो दिल्ली में जिन सुंदर साथ को शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा, ब्याज सहित मुकुंद दास जी को भी वो सजा मिलेगी। तभी श्री जी के चरणों में उनका स्थान होगा। आगे औरंगाबाद में ब्याज सहित सब उनसे वसूल लिया जाएगा। उस समय तो उनकी अभी आत्मा जागृत नहीं थी, नई नई उम्र थी, जोश था। उदयपुर में जाकर के जागनी कार्य कर रहे होते हैं, खूब भेंट मिली होती है। जब श्री जी कमा पहाड़ी से चले होते हैं, सुंदर साथ को अपनी भूल का एहसास होता है कि श्री जी के पास तो 1 रुपया भी नहीं है, हमने क्या किया गलती। अब सेक बदल 300 रुपये लेकर के चल देते हैं। खोजते खोजते पता ही नहीं कहाँ श्री जी गए होंगे। श्री जी के साथ मलुक चंद है और छबील दास है। भूख लगी है, किससे मांगे। पूर नाम का एक गांव होता है, श्री जी किसी पलंग पर वहाँ लेटे होते हैं और दोनों भूख से व्याकुल हुए। आप देखिए आज स्थिति क्या है। प्राणनाथ जी के नाम पर देश में 400 मंदिर हैं, उनके नाम से कई बड़े बड़े गादी स्थान हैं। उन गादी स्थानों के जो महाराज हैं कैसा जीवन बिताते हैं, राजाओं जैसा। और श्री जी कई कई दिन अन्न का एक दाना भी नहीं खा पा रहे हैं, किसके लिए, परमधाम की आत्माओं के जागने के लिए। मलुक चंद और छबील दास जी का कितना बुरा हाल था, सूखी रोटी भी कई दिनों से पेट में नहीं गई है। आज जो बड़े बड़े स्थानों पर महाराज के रूप में हैं, सुंदर साथ के पैसे से राजाओं जैसा ऐश्वर्य का जीवन बिता रहे हैं, उनको ये आत्ममंथन करना होगा कि ये जो धन आता है समाज के कल्याण के लिए आता है। नोट उड़ाने के लिए नहीं होते हैं, नोट सबके दुख को दूर करने के लिए, किसी भूखे को भोजन देने के लिए, नंगे को वस्त्र देने के लिए, अशिक्षित को शिक्षा देने के लिए होते हैं। आपको धन दिया गया तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप हवा में नोट उड़ाएंगे, आप 40 लाख की कारों में घूमेंगे। धाम धनी तो महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर भिक्षा के अन्न ग्रहण करेंगे। अभी प्रसंग आएगा मंदसौर का, 8 महीने सब सुंदर साथ के साथ वहाँ रहते हैं, भिक्षा के में जो मिलता है वही ग्रहण करते हैं। ये लीला जानबूझकर की गई है कि
कि आने वाले समय में सुंदर साथ समझे कि यह तारतम वाणी अवतरित हुई है, किन परिस्थितियों में अवतरित हुई है। हमें तो बनी बनाई खीर मिल गई है, फिर भी हम लड़ते रहते हैं, ब्रह्मवाणी के प्रचार के लिए कुछ नहीं करते। अब देखिए, दीप बंदर से श्री जी चले हैं, मंदसौर औरंगाबाद होते हुए रामनगर आएंगे, फिर पन्ना जी आएंगे, वहाँ तक भिक्षा का ही आहार केवल करना पड़ रहा है। 5,000 की संख्या हो जाती है पन्ना जी तक चलते चलते। आज यदि हम मठों में बैठे रहेंगे, आराम करते रहेंगे, अपने ऐसी कमरों का सुख लेते रहेंगे, तो ब्रह्मवाणी कहाँ फैलनी है। वो भी समय है जब श्री जी चल रहे हैं, शीतल हवा के झोंके उनको लग रहे हैं, तपती दोपहरी में लू के थपेड़े उनको भी लग रहे हैं, पैदल चलना है। आजकल तो वायुयान से 1 घंटे में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, ऐसी ट्रेनों में हम सफ़र करते हैं, हमको गर्मी भी नहीं लगती, ठंडक में भी हम हीटर वाले कमरों में ट्रेन के डब्बों में रहते हैं, हमको तो जरा भी राज्य कष्ट नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन किसकी कृपा से आज हमें परमधाम का ज्ञान मिल रहा है, हम भुला देते हैं, अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को भुला देते हैं, जो महामती जी के तन में बैठकर जागने के लिए गांव गांव घूमा, नगर नगर घूमा। मुगल सेना हमेशा पीछा करती रहेगी। आप देखेंगे उदयपुर से ही मुगल सेना हर जगह जाएगी, चाहे श्री जी उदयपुर में हों, मंदसौर में हों, औरंगाबाद में हों, रामनगर हों, पन्ना जी हों, हर जगह औरंगजेब की सेना किसी न किसी रूप में पीछा कर रही है। और ऐसी परिस्थितियों में सब सुंदर साथ को लेकर श्री जी जागने का कार्य करते जा रहे हैं। आज के वातावरण से हम स्वयं को तोलें और उस समय की स्थिति से देखें। अब मुकुंददास जी क्या करते हैं, सामग्री मंगाते हैं खाने की, समर्पण भावना नहीं है, क्योंकि उनको पैसों से मोह है, साल दो सालों से मोह है। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य होता है प्रीतम को पाना। कबीर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, सिर दिए सतगुरु मिले तो भी सौदा सस्ता जा। लेकिन कौन समझता है, सतगुरु रूप में स्वयं अक्षरातीत आए हैं महामती जी के धाम हृदय में, अभी मुकुंददास जी की आंखों पर पर्दा है, पहचान नहीं पा रहे हैं, सोचते हैं कि कौन है, हमारे गुरु जी महाराज हैं। इसलिए ग्रंथों से जान लिया कि बुझे अवनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं, लेकिन ये पहचान अभी नहीं है कि इस महामती जी के धाम हृदय में स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद लीला कर रहे हैं। जब पद्मावतीपुरी धाम पहुँचेंगे, वहाँ देखेंगे, दर्शन करेंगे कि जब मिहराज चर्चा कर रहे हैं, महामती जी कर रहे हैं, तो साक्षात युगल स्वरूप दिखते हैं। वहाँ फुट फुट कर रोते हैं मुकुंददास जी कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया था, जो उदयपुर में श्री जी के स्वरूप की मैं पहचान नहीं कर पाया। अब शेख बदल अपना सारी धनराशि श्री जी के चरणों में रख देते हैं। आगे मुकुंददास जी से बात हो रही है, मुकुंददास जी क्या करते हैं, ऐसे भाषा बोलते हैं जैसे लग रहा हो कि वो सिखापन दे रहे हो कि धामदनी क्या आवश्यकता थी इन मुसलमानों से टक्कर लेने की, अक्षरातीत को क्या समझ नहीं थी, ये सबसे बड़ा गुनाह होता है। किसी आध्यात्मिक विभूति के सामने पहुंचकर हमें ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे ये साबित हो कि उनको कुछ समझ नहीं है और हमें ज़्यादा समझ है। प्रत्येक परमहंस को मालूम होता है कि कल को आने वाला क्या होता है, किंतु सच्चाई यह है कि कोई भी महान आध्यात्मिक विभूति सारी बातें अपने मुख से नहीं कह सकती, वो मौन बनकर दृष्टा होकर के देख रही होती है। श्री जी के रूप में तो स्वयं अक्षरातीत हैं, वो ढोल पीट पीट कर थोड़े बताते रहेंगे कि देखो भविष्य में ऐसा होना है, भविष्य में ऐसा होना है। सुंदर साथ को परिपक्व किया जा रहा है, दिल्ली के प्रसंग से, उदयपुर के प्रसंग से, मंदसौर के प्रसंग से, औरंगाबाद के प्रसंग से, ताकि ये इस युग बन जाए कि जब खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का ज्ञान उतरे तो ये सोने की तरह तप करके कुंदन बन जाए, इनके अंदर से माया के विकार दूर हो जाएं और ये परम धाम के अलौकिक धन को आत्मसात कर सकें। लेकिन इस भेद को कोई जान नहीं पा रहा है। मुकुंददास जी जब कहते हैं कि इनसे उलझना नहीं चाहिए था, तो श्री जी कहते हैं कि मुकुंददास तुम क्या कहते हो, मैं इनको जड़ से नष्ट कर दूंगा,
जब श्री जी के मुखारविंद से बच्चन निकलते हैं, उसी क्षण से औरंगजेब का पतन प्रारंभ हो जाता है। आप सोचिए, जिस अक्षर ब्रह्म के संकल्प से सारी सृष्टि का मर प्रलय हो जाता है, वह अक्षर ब्रह्म उनके अंदर है, जिब्रील उनके अंदर है, इस्राफील उनके अंदर है, उनके मुख से निकलना तो दूर, मन में आया नहीं, वो हो जाना है। अब श्री जी ने जैसे ही कहा, औरंगजेब का पतन ऐसा होने लगता है कि उसके परिवार का एक एक सदस्य हर साल इस दुनिया से चले जाने लगता है। उसकी आर्थिक शक्ति कम हो जाती है, दिन पर दिन फौज घटती जाती है। ऐसा भी समय आ गया छत्रसाल जी के राज्य तक कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद तो खाना भी मिलना मुश्किल हो गया, राज दरबार में अंदर से भुखमरी की नौबत आ जाती है। और औरंगजेब जब अपने तख्तेताज पर बैठने का प्रयास करता है तो उसको लगता है कि इस पर सिंह बैठा है। सबसे कहता है कि मैं इस पर नहीं बैठूंगा, शेर बैठा है। बात सब अधिक दरबारी कहते हैं कि नहीं बादशाह, आपको भ्रम हो रहा है, शेर नहीं बैठा है। जबरन उसको बैठाने का प्रयास करते हैं तो औरंगजेब को गुर्राता हुआ शेर दिखता है। वो दहशत के मारे तख्तेताज पर बैठ नहीं पाता, गिर जाता है। उस घटना के बाद औरंगजेब कभी भी तख्ते ताऊस पर नहीं बैठा और इसी डर से वो दक्षिण भारत में चला जाता है मराठों का दमन करने के बहाने। सच्चाई यह थी कि उसको लग गया था कि माँ मेहदी आए थे, खुद खुदा मेरे घर चल कर आया था, किंतु सत्ता के मद में मेरी आंखें उसकी पहचान नहीं कर सकी थी। मरने से पहले जब औरंगजेब अपने पुत्र मुअज्जम और आजम को पत्र लिखता है तो लिखता है, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि मेरे घर परवरदिगार आया था, लेकिन सत्ता के मत में मेरी आंखें थीं और उनकी आंखों का नूर नहीं देख सकी, मैं उनके चरणों की छत्र छाया में अपने को समर्पित नहीं कर सका। आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे भाग्य में जो खुदा की बंदगी है केवल वही शुभ है, अन्यथा मेरा जीवन गुनाहों से भरा रहा है। जिस तख्तेताज उसको पाने के लिए मैंने अपने भाइयों का कत्ल करवाया, अपने पिता की हत्या करवाई, मैं सबको छोड़कर जा रहा हूँ। हर व्यक्ति के साथ ऐसे ही होता है, यमन पद और धन हमेशा नहीं रहते। इसको पाने के बाद मनुष्य को कभी भी अहंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी के बुलबुले के समान एक न एक दिन ये नष्ट हो जाने वाले हैं। मनुष्य के साथ केवल उसका धर्म जाता है, इसलिए किसी भी स्थिति में धर्म का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। औरंगजेब यह पत्र लिखकर दुनिया से चला जाता है। अब श्री जी के मुखारविंद से जो निकला वही होना शुरू हो गया, और उसी क्षण से पूरे विश्व में जो मुसलमानों की सत्ता थी वो भी कमज़ोर होने लगी और क्रिश्चियनों की शक्ति बढ़ने लगती है। आप पूरे विश्व के इतिहास को देखें तो 1740 के पश्चात पूरे विश्व में मुगलों की शक्ति छीण होनी शुरू हो जाती है, अंग्रेजों की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि अरब की धरती पर भी मुगलों का अधिकार हो जाता है। आज दुबई क्या है, पहले अंग्रेजों ने इसको लीज पर दिया हुआ है। अंग्रेजों के साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता था। इसके पहले मुसलमानों का पूरे संसार पर शासन हो गया था अधिकतर भागों पर। अब श्री जी उदयपुर भेजते हैं मुकुंददास जी को कि मुकुंददास तुम जाओ उदयपुर में जागनी करो, जब जागनी का प्रभाव बढ़े तो आकर के मुझे बुलाओ। मुकुंददास जी जाते हैं उदयपुर में, लाधू मसानी को जागृत किए होते हैं पहले से, सारी बात करते हैं। लाधू मसानी चर्चा सुनकर के प्रभावित हुआ होता है, आग्रह करता है कि आप श्री जी को लेकर के आइए। श्री जी सब सुंदर साथ के साथ जाते हैं, लाधु मसानी स्वागत करता है और उसके पश्चात चर्चा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। इधर आगरे से सारा सुंदर साथ उदयपुर में आ पहुंचता है। सुंदर साथ का जमावड़ा प्रारंभ हो जाता है। कैदखाने में जो सुंदर साथ 12 रहे होते हैं उनकी तरफ से भी पत्र आता है कि धामधनी यहाँ पर तो औरंगजेब से कोई अब बात हो नहीं रही है, काजी शेख इस्लाम से भी बात नहीं हो पा रही है और सब शांति है, यहाँ निरर्थक हम पड़े हुए हैं,
यदि आपकी सुकृति हो तो हम भी आपके चरणों की छत्रछाया में आना चाहते हैं। श्री जी कहते हैं कि अच्छी बात है, तुम सभी आ जाओ। शेख बदल को कुछ घरेलू काम निपटा कर हमेशा के लिए धनी के चरणों में आना होता है, इसलिए शेख बदल जी तो नहीं आते हैं, उसी समय बाद में आएंगे। लालदास जी, भीम भाई वगैरह सभी आ जाते हैं चिंतामणि। जानते हैं उस युग में कर्मकांड का छूत छात का बहुत आडंबर था। जब ये सुंदर साथ आते हैं तो जैसे कि मैंने कहा, ऐसा प्रचलन था कि कोई ऊंची जाति वाला छोटी जाति वाले के कुएं से पानी नहीं पी सकता था और अपने कुएं से किसी को पानी पीने नहीं देता था। यदि किसी मुसलमान ने कह दिया कि इस कुएं का पानी मैंने जूठा कर दिया है तो गांव के गांव हिंदुओं के मुसलमान बन जाते थे कि हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया। पानी जूठा पी लेने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता। धर्म तो अखंड है, धर्म थोड़े भ्रष्ट होता है, आचरण भ्रष्ट हुआ करता है। इसलिए आचरण को सुधारना चाहिए, धर्म परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन शिक्षा से विहीन जड़ की पूजा करने वाले पौराणिक हिंदू को कौन समझाए। मुगल काल में ऐसे ही हुआ, धोखे से किसी ने कह दिया कि तुम जो कुएं का पानी पीते हो हमने रात को जूठा कर दिया था। बस किसी ने कह दिया, सबने मान लिया कि मुसलमान का जूठा पानी हमने पी लिया है, हम तो धर्म भ्रष्ट हो गए। सबके सब मुसलमान हो जाते थे। देश में ऐसी कितनी घटनाएं हैं। और अब होता यह है कि श्री जी की आंखों के सामने भेदभाव शुरू हो जाता है। श्री जी क्यों सहन करें, परम धाम के सुंदर साथ में जाति के नाम पर, धनी धन के नाम पर, और यदि भेदभाव हो, कोई किसी के साथ बैठकर खाने को राजी न हो तो यह असह्य था। क्योंकि एक पौराणिक विचारधारा थी मुकुंददास जी के रूप में, परमानंद जी के रूप में, ये लोग क्या कहने लगे थे अंदर अंदर से कि देखो ये मुसलमानों के यहाँ रह कर आए हैं, इनको अलग पंक्ति में बैठाओ, इनके साथ बैठकर नहीं खाना है। सारा ध्यान पौराणिक युग में खाने पीने पर चला गया। वैष्णव के चौके में आप चले जाएंगे तो आकाश सिर पर उठा लेंगे। सात बेर चौका देओ, लकड़ी जलाओ धोए जल। लकड़ी को बार बार धो करके जलाएंगे। जिस लकड़ी में आग लगानी है उसको पानी से धोने की आवश्यकता क्या है। पाक न हुई इन पानी है, चाहिए अर्श का जल। नहाइए हक्के जमाल में तब हुई है निर्मल। निर्मलता के लिए तो प्रीतम के प्रेम की शोभा में डूबना होता है। किंतु ये कट्टरपंथी वैष्णव लोग जो शालिग्राम को भगवान मानते हैं उनको बार बार नहलाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे 56 भोग, और अपने सामने साक्षात नारायण आता है मनुष्य के रूप में। उसके हृदय के अंदर बैठी हुई आत्मा के हृदय में तो नारायण ही बैठा है, उसको अपने पास नहीं बैठाएंगे। पत्थर के नारायण को 56 भोग लगाओ और साक्षात नारायण को दुत्कार कर भगा दो कि तुमने चौके में आकर मेरा भोजन अशुद्ध कर दिया, इसको क्या कहा जाएगा। इसको तो यही कहा जा सकता है कि इनकी बुद्धि का दिवालिया निकल चुका है। अब श्री जी ने कठोर निर्णय लिया कि सुंदर साथ में एक रास्ता हो, सीधे कह दिया। लालदास जी से कहा कि लालदास जी कुछ नाई लेकर के चलना है उदयपुर के ताल पर, और सबके लिए फकीरी वस्त्र, बैरागी वस्त्र धारण कराना है, वो बनवा कर तैयार रखना। श्री जी ने कहा कि देखो सबसे पहले मैं अपने सिर के बाल मुड़वाऊंगा, बैरागी भेष में धारण करूंगा, कानों में बाले मैं पहनूंगा, जो महात्माओं का चोगा होता है वो मैं पहनूंगा, कमंडल मैं लूंगा, तुम्बा गुदड़ी मैं ओढ़ूंगा, और जैसा मैं करता हूँ सबको ऐसा करना पड़ेगा, जिसको ऐसा नहीं करना है वो मेरे पास से जा सकता है। सबसे कष्ट किसको हुआ, मुकुंददास जी को, क्योंकि जागनी का कार्य करने से उनको साल दुसाले मिले थे, पैसे मिले थे। अब सोचे कि ये बाल भी मुड़वाना पड़ेगा, हमें फकीर वैरागियों जैसा भेष धारण करना पड़ेगा। रोए धोए नाच कूद हुए खुशहाल, क्यों श्री जी को छोड़ भी नहीं सकते और रहना है
तो वैरागी फेस में रहना पड़ेगा। अब अच्छे अच्छे श्रृंगार तो नहीं कर सकते क्योंकि सबकी एक वेशभूषा हो गई, जाति का बंधन टूट गया, छोटे बड़े का भेदभाव छूट गया। पीछे से देखने पर कोई पहचान में नहीं आता कौन लाल दास जी हैं, कौन भीम भाई हैं, कौन मुकुंद दास जी हैं। आगे से चेहरा देखने पर ही पता चलता है कि ये है। पहले तो कपड़े से पहचान हो जाया करती थी। संन्यास के वस्त्र क्यों दिए जाते हैं? सबसे ऊपर होने के लिए। सन्यासी की कोई जाति नहीं होती, वो भंगी का भी दिया हुआ उसको खाना पड़ेगा, चंडाल का भी दिया हुआ खाना पड़ेगा। जिस महात्मा को जाति पाति के भाव रहते हैं, समझिए कि वो महात्मा ही नहीं है, वो केवल कपड़े से महात्मा है। इसलिए सन्यास क्या है? शरीर से परे हो जाना, तभी तो नाम बदल दिया जाता है। आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, भुला दीजिए। आपके माता पिता का नाम क्या है ये भुला दीजिए। अब नाम बदल दिया जाता है कि अब आपका दूसरा जन्म हो गया, अब आप सारे संसार के हैं, सारे संसार के बारे में आपको सोचना है। भंगी हो, ब्राह्मण हो, चंडाल हो, सब में एक चेतना को देखिए। चक्रवर्ती सम्राट हो या झोपड़ी में रहने वाला हो, सभी आपके लिए बराबर है। सन्यासी ऐसे नहीं बना जाता है। श्री जी ने कहा कि जिसको मेरे साथ रहना है ऐसे ही करना पड़ेगा। अब सबकी एक वेशभूषा हो जाती है। यहाँ किरंतन उतरता है, कारी कामरी रे मुकु प्यारी लागे तो। ये कारी कामरी क्या है? प्रेम की कारी कामरी। सबके अंदर से विकार मिट जाते हैं। अब कोई नहीं सोचता कि ये मुसलमानों के यहाँ से रह कर रहे हैं तो इनको अपनी पंक्ति में नहीं बैठाना है। सभी प्रेम से गले मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, अच्छा हुआ। एक जैसी वेशभूषा हो गई तो अब लग रहा है कि सचमुच हम सभी परमधाम से आए हैं, नहीं तो ये दीवारें खड़ी थी। इन दीवारों को खड़ा करके हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता रोकते हैं। अब सुनिए वो किरंतन कितना महत्वपूर्ण है। जिसने इस प्रेम की काली कामरी को ओढ़ लिया, उसके ऊपर माया का विकार नहीं चढ़ सकता, क्योंकि प्रेम ही प्रियतम से मिलाने वाला है। प्रेम इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती वस्तु है, और प्रेम तो इस संसार में होता ही नहीं, प्रेम तो प्रियतम के हृदय में होता है, और उसको पाने के लिए अपने हृदय में वैसा ही प्रेम भरना पड़ेगा। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब सिंगार को शोभा देवे, सब सिंगार को, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधया तुझ सो कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के सिरे, तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के सिरे। सब नग मोती तेरे तले, सब नग मोती, सब नग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। कामरी पहरे ब्रिज बधु और सुंदर वर श्याम, कामरी पहरे ब्रिज बधु और सुंदर वर श्याम। भी पहरी मोहम्मद ने भी पहरी मोहम्मद ने और पहरी इमाम। कारी कामरी रे मोको प्यारे लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारे लागे तू। Thank you.
रूह अल्लाह पहरे अंदर हुई नहीं जाहे, रूह अल्लाह पहरे अंदर हुई नहीं जाहे। दुनिया हृदय आंधली, दुनिया हृदय, दुनिया हृदय आंधली, सो देखे नजर बाहेर कारी काम रे मोको प्यारे लागी तू, कारी काम रे मोको प्यारे लागी तू। सब सिंगार को शोभा देवे, सब सिंगार को, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधिया तुझ सो कारी काम रे मोको प्यारे लागी तू। पट पहर खाए चीकना हेम जवेर सिंगार, पट पहर खाए चीकना हेम जवेर सिंगार। हक लज्जत आई मोमिनो, हक लज्जत आई, हक लज्जत आई मोमिनो, तिन दुनी करी मुर्दार कारी काम रे मोको प्यारे लागे तू, कारी काम रे मोको प्यारे लागे तू। हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम, हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम। महमत कहे सब दुनी को, महमत कहे, महमत कहे सब दुनी को, प्यारी हो सी तमाम कारी काम रे मोको प्यारी लागी तू, कारी काम रे मोको प्यारी लागी तू। सब सिंगार को शोभा देवे, सब सिंगार को, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधिया तुझ सो कारी काम रे मोको प्यारी लागी तू, कारी काम रे मोको प्यारी लागी तू, कारी काम रे मोको प्यारी लागी तू। उदयपुर में चर्चा का प्रवाह जोर शोर से चल रहा है। सब सुंदर साथ को प्रत्यक्ष इन नयनों से वहां से दर्शन लीला प्रारंभ हो जाती है, दर्शन प्रारंभ हो जाता है। सुंदर साथ देखते हैं कि वहाँ महामती नहीं साक्षात श्रीराज जी बैठे हुए हैं और सबकी आस्था परिपक्व हो जाती है। जागनी का प्रवाह इतना चलता है, आप जानते हैं यदि आप सत्य का प्रचार सुनेंगे तो विरोध भी बहुत झेलना पड़ेगा। राणा के पास शिकायत पहुँचती है कि कोई वैरागी आए हैं जो हिंदू धर्म की भी वेशभूषा रखे हैं, तिलक लगाते हैं, धोती पहनते हैं, धर्म ग्रंथों की भी चर्चा करते हैं किंतु कुरान की भी चर्चा करते हैं। अब पंडितों को क्या करना था, पौराणिक पंडित भड़काने में सबसे आगे होते हैं। उन्होंने राजा को कहा कि ये कुरान पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि ये अंदर से मुसलमान हैं और राजा तुम्हें वशभूत करके तुमको भी मुसलमान बना देंगे। लेकिन राणा सुनता है सबकी बात, करता कुछ नहीं है, क्योंकि इतिहास में ऐसी बातें हैं जिसमें मुसलमान फकीर हिंदू महात्माओं का वेश धारण करके रहा करते थे, वहाँ की सारी गतिविधियाँ मुगल आक्रमणकारियों को बताया करते थे और वे अचानक ही हमला करके राजा को हरा दिया करते थे। ऐसी भावना
उन पंडितों के मन में थी वहम था कि प्राणनाथ जी के साथ जो ये बैरागी सुंदर साथ हैं ये भी ऐसे ही है। राजा ने कुछ पंडितों को भेजा कि जाओ पता लगा कर आओ कि वास्तव में सच्चाई क्या है। जब श्री जी की सभा लगी हुई थी पंडित लोग आते हैं, श्री जी वेदांत के 15 और श्रीमद् भागवत के 40 प्रश्न उनके सामने रख देते हैं कि आप इनके उत्तर दीजिए। उत्तर तो आए नहीं, परिणाम क्या हुआ? वे जाकर के राजा के पास राणा के पास निंदा करने लगते हैं। उनको डर लगता है कि ये तो हमारा व्यापार ही नष्ट कर देंगे। राजा से जो दक्षिणा मिलती है सम्मान मिलता है वो सब बंद हो जाएगा। इसलिए महाराणा के कान और भरना प्रारंभ कर देते हैं। समय बीतता है, कुछ पठान जा रहे होते हैं, अव्वल खान है, नूर मोहम्मद है, मीन खान है। अचानक अव्वल खान को लगता है देखकर कि ये वैरागी लोग कौन है। नूर मोहम्मद, क्या तुम इनके बारे में जानते हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम पहले से इनसे परिचित हो। नूर मोहम्मद कहता है कि हाँ अव्वल खान, ये बात सच है कि इनके पास कुरान की मारिफत का ज्ञान है और इस्लाम के सच्चे पथ प्रदर्शक यही है। अव्वल खान आता है, परमधाम की आत्मा है उस तन में, है तो मुस्लिम तो क्या, पहचान लेता है कि ये तो मेरा खुदावंद है, अल्लाह ताला है इस तन के अंदर। इमाम मेहदी के रूप में ये स्वयं आए हैं। चाबुक अपने हाथ में लेकर मारने लगता है। अंत में श्री जी कहते हैं कि इसको पकड़ करके भाई बैठा हो, पास बुलाकर सांत्वना देते हैं कि अव्वल खान तुम्हें ये करने की आवश्यकता नहीं है। अव्वल खान की यह घटना क्या शिक्षा दे रही है? एक तरफ कुरान का ज्ञान रखने वाला अव्वल खान जो मुसलमान के तन में है प्राणनाथ जी को पहचान कर स्वयं को निछावर कर देता है कि इतने दिन से अल्लाह ताला आए बैठे हैं इमाम मेहदी के रूप में, मेरी अंधी आंखें पहचान नहीं पाई। और एक वही है, पौराणिक पंडितों के दबाव में राजा जब जाता भी है उदयपुर के ताल पर तो रास विहार करते हुए सुंदर साथ को देखता है दूर से भेष बदल कर और प्रणाम भी नहीं करता। इस बदनसीबी को क्या कहें? अब पौराणिक पंडित कहते हैं कि ये तो ठग हैं, ये तो मुसलमान बनाने आए हैं, वो भी लाभ नहीं ले पाते। प्रियतम सबका है, यदि आंखों पर पर्दा पड़ेगा तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान कोई भी उनकी पहचान नहीं कर सकता। दिल्ली में मुसलमानों ने नहीं पहचाना तो उदयपुर में हिंदुओं ने नहीं पहचाना। अब श्री जी की अलौकिक चर्चा के प्रभाव से जो तारतम का प्रकाश पड़ता है तो कई लोग विरोध में भी आते हैं, किंतु जहाँ अव्वल खान है नूर मोहम्मद है वहाँ कोई पठान क्या कर सकता है। जब ये बात राणा राज सिंह को मालूम होती है जो उदयपुर में सिंहासन पर बैठे थे कि अव्वल खान उनको अपना अल्लाह ताला मानता है तो मजाक किया करते हैं कि अव्वल खान एक हिंदू के तन में तुमको अल्लाह ताला कैसे नजर आने लगा? क्योंकि राणा को पहचान तो थी नहीं, राणा को कान भरने वाले कौन थे? पौराणिक पंडित। राणा न स्वयं पहचान पाता है न अपनी आत्मा का सुख ले पाता है। समय रहते रहते औरंगजेब का आक्रमण हो जाता है। आक्रमण की एक विशेष कहानी है, क्योंकि जोधपुर घराने की राठौर वंश की जो महारानी थी उदयपुर के घराने की थी। दुर्गादास जी ने, आप जानते हैं, जसवंत सिंह के बेटे को जहर देकर औरंगजेब ने मरवा दिया था और जसवंत सिंह को भी काबुल की तरफ भिजवा दिया था। जब बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर जसवंत सिंह का भी हृदय फेल हो गया, हृदय गति रुक गई और वो भी देह त्याग कर दिया। अब औरंगजेब ने सोचा था कि जसवंत सिंह की दोनों रानियों को मैं कैद कर लूँ क्योंकि उनकी संतान होने वाली है, मैं इनको मुसलमान बना दूंगा। लेकिन वीर दुर्गादास की तलवार के आगे मुगल सेना कुछ नहीं कर पाई। दुर्गादास की तलवार ने खून की ऐसी नदी बहाई कि दोनों रानियों को निकाल करके सुरक्षित ले गए और जो उदयपुर घराने की महारानी जो थी जो जसवंत सिंह से ब्याही थी उनको उदयपुर भेज दिया। इस बात से औरंगजेब को बहुत गुस्सा था, बहाना ढूंढ रहा था कि उदयपुर पर हमला करें। अपने एक
दूत को मथुरिया को भेजा कि जाकर उनके सामने शर्त रखो कि या तो इस्लाम स्वीकार करें या लड़ने के लिए तैयार रहें। यदि इस्लाम स्वीकार करते हैं तो उनको 5 परगने पुरस्कार में मिलेंगे, नहीं स्वीकार करते हैं तो युद्ध में तलवार उठानी पड़ेगी। गरीब दास पुरोहित से मिलकर मथुरिया दूत औरंगजेब का भेजा हुआ जो था राणा राज सिंह से जब कहता है, राणा राज सिंह की आंखें क्रोध से लाल उठती हैं, वो उठती हैं और कह दिया कि इस दूत को धक्के देकर बाहर निकाल दो, औरंगजेब को जाकर कह देना कि राजपूतों की तलवारें तुम्हारी बाट देख रही हैं, युद्ध के मैदान में तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। इधर औरंगजेब चारों तरफ से उदयपुर के आक्रमण कर देती है। अब पौराणिक पंडितों का बल बढ़ गया, पौराणिक पंडित राणा को उकसाने लगे कि इनको लूट लिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, क्योंकि ये पंडित ये बैरागी रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक होंगे। पौराणिक पंडितों में और सन्यासियों में मेल नहीं होता, दोनों की विचारधारा अलग अलग है। पौराणिक पंडित चढ़ावे पर निर्भर रहते हैं, वैरागी तो सारी दुनिया को छोड़ चुके हैं। अब राणा राज सिंह ने पहले कोतवाल को भेजा, कोतवाल ने बहुत समझाया। श्री जी ने कहा कि भाई आप चिंता न करो, हम अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ हैं। कोतवाल जाकर कहता है कि मैंने बहुत समझाया, ये मान नहीं रहे हैं वैरागी। राणा राज सिंह ने दोबारा भेजा। अब श्री जी ने कहा कि जब यहाँ का राणा हिंदू होकर भी हमें अपने राज्य में रहने देना नहीं चाहता तो वहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। सब सुंदर साथ को कहते हैं अपने अपने सामान उठा लो, जो भी वस्त्र आभूषण है यहीं बांट दो, वैरागी भेष में सबको यहाँ से निकल जाना है। अब श्री जी सब सुंदर साथ के साथ उदयपुर छोड़ करके चल देते हैं और जितने सुंदर साथ उदयपुर में बने थे, राज दरबार के भी कुछ अधिकारी थे जिन्होंने तारतम लिया था, उनको श्री जी ने सभी वस्त्र आभूषण सब भेंट में दे दिए और कह दिया कि भाई अब तुम्हारे नगर से जा रहे हैं, यहाँ अत्याचार तो होना है, खून बहुत बहेगा। अब श्री जी चले जाते हैं सब सुंदर साथ के साथ। औरंगजेब की सेना नगर में प्रवेश करती है, बहुत मार काट मचती है, किसी का हाथ कटा, किसी का पांव कटा। श्री जी आगे चलकर जब रामपुरे के ठाम पहुंचते हैं, रामपुरे वहां संदेश लेकर के आते हैं सुंदर साथ कि उदयपुर में तो बहुत ही अनर्थ हुआ, किसी का हाथ कटा है, किसी का पांव कटा है और सुंदर साथ पहाड़ों में भटक रहा है। श्री जी ने जब यह सुना तो बहुत व्यथित हुए और धाम धनी से प्रार्थना की, मूल स्वरूप से 6 प्रकरण किरंतन के उतरे, 37 से 41 तक, मूलतः 36 से 41 तक है। अभी तक में 5 प्रकरणों के अवतरित होने की बात लिखी है लेकिन पहले प्रकरण को भूमिका के रूप में मान ले तो 5 प्रकरण हो जाते हैं। कृपा राम के द्वारा यह सूचना आती है, वालो विरह रस विनु रंग विरह मय रमाण दो वासना रुदन करे जलतार, हम आत्माएं आपके विरह में आंसू बहा रही हैं। वालो विरह रस भीनो रंग विरह मय रमाण दो रुदन करे जलधार, बासना रुदन करे जलधार, बालो विरह रस भीनो रंग विरह मार मार दो रुदन करे जलधार, बासना रुदन करे जलधार। आप अलखावी अलग
कोई होती तामसियो सिरदार रुदन करे जलधार आसना रुदन करे जलधार कल कल का वदन बिलखाविया कल कल काम ने वदन बिलखाविया बीसुमा वरती का उन मद अटपटा अंगत चालिनी उन मद अटपटा अंगत चालिनी मान सहुए मानवियो हार रुदन करे जलधार वासना रुदन करे जलधार पतिव्रतपल अंग थाए नहीं अलगियो पतिव्रतपल अंग थाए नहीं अलगियो ना कहीं चार वंतियो बिन जान पत्रियो पियो थकी अमेजे अभागिनियो पत्रियो रहियो अंग दाग लगावन हार रुदन करे जलधार वासना रुदन करे जलधार स्यारे करम एवा करिया हता कामनी स्यारे करम एवा करिया हता कामनी धाम माए धनी आगल आधार धाम माए धनी आगल आधार हवे काड़ो मोह जल थकी महामत मारा भरदार रुदन करे जलधार वासना रुदन करे जलधार वालो निरहरस भीनो रंग बिरा मार मार दो रुदन करे जब ये क्रंदन के छह प्रकरण उतरे और जब स्वयं महामति की आत्मा सब सुंदर साथ के लिए मूल स्वरूप से कहे तो मूल स्वरूप क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। अचानक ऐसी औरंगजेब पर विपदा आ गई कि औरंगजेब अपनी सेना लेकर वापस चला गया। श्री जी के साथ जो भी सुंदर साथ हैं उन्होंने वैरागी भेष धारण कर रखा है। स्वयं बाई जी सहित सभी महिला सुंदर साथ ने भी वैसा ही वैराग्यों का वेश धारण कर रखा है। फकीरी भी एक मस्ती है। आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक न रहने के लिए कोई घर है न पैसा है जो मिला खा लिया अपने प्रीतम के ध्यान में डूबा पड़ा है। इससे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। चक्रवर्ती सम्राट जो सोने के महल में रहता है उसको भी यह सौभाग्य नसीब नहीं होता कि संसार की सारी चिंताओं को छोड़कर परमात्मा के ध्यान में डूब सके। अब श्री जी के साथ हजारों की संख्या है
सबने अपना घर द्वार छोड़ रखा है, किसके लिए चल पड़े हैं? वाणी परमधाम की आत्माओं को जागनी करने के लिए छोड़ पड़े हैं। और अभी तो देखिए, हम सोचते हैं कि वाणी संसार में फैल जाए, हमारे पास उतना त्याग तो नहीं, केवल 1000 सुंदर साथ आए थे वार्षिकोत्सव में, सभी भाग गए। अब आप लोग भी 2-3 दिन में जल्दी से भाग जाएंगे, क्योंकि घर की चिंता है, सारे ब्रह्मांड की चिंता तो आपके पास ही है। वो समय था जब सबने अपना छोड़ दिया, परिघर परिवार शिव जी के साथ है, और इसी मंदसौर में उस समय आएगा जब सभी भिक्षा मांगेंगे। अब वो घटना आने जा रही है। मंदसौर के चारों तरफ मुगलों के शिविर थे, जिसमें मुगल सेना रहा करती थी। मंदसौर में सुंदर साथ श्री जी के साथ एक जगह ठहर जाते हैं। वहाँ पठान लोग आया करते हैं, जो मुगल शिविर के सैनिक थे, उसमें श्री जी की चर्चा सुनकर बहुत आनंदित होते हैं। एक इब्राहिम नाम का मौलवी भी है, कट्टर सुन्नी मुसलमान है, श्री जी की बातें उसको बहुत अच्छी लगती है। लालदास जी ने उससे बात किया कि कुरान की वो टीका करवा दे, आने लगता है, क्योंकि पैसे देकर उसे टीका करवाने का विचार आता है लालदास जी के मन में। श्री जी की स्वीकृति के पश्चात टीका प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि उस समय तक मूलतः कुरान अरबी में था, फारसी में तो टीकाएँ थी, लेकिन सुंदर साथ को क्या पता चले कि कुरान में लिखा क्या है। सनंद अवतरित हो चुका है, फिर भी संसार में बहम बना रहता है। कोई ये न कहे कि श्री जी अपने ही तन से अपने को इमाम मेहदी के रूप में कहलवाना चाहते हैं, किंतु ये मौलवी कुरान की टीका करवाए, हिंदी में सब सुंदर साथ पढ़ लें, तो उनको विश्वास आता कि सचमुच सनंद ग्रंथ में जो लिखा है अक्षरशः सत्य है, परम सत्य है। इसलिए टीका करवाने की आवश्यकता थी, अन्यथा श्री जी को कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जिस अक्षर की आत्मा के तन से अरब में कुरान अवतरा, वो तो उनके अंदर है, जिस राज्य ने कहा उनके अंदर है, जिब्रील लाने वाला है, उनके आदेश पर कार्य कर रहा है। लेकिन सुंदर साथ को विश्वास दिलाने के लिए संसार में ईमान आना बहुत कठिन बात है, और वो भी एक मानव तन में अक्षरातीत की पहचान कर लेना तो असंभव सी बात होती है। श्री जी संसार में मानव के तन में लीला कर रहे हैं, इसलिए इस संसार की मर्यादा के अनुसार ही अपने को उजागर करना है कि ताकि सबको विश्वास आ जाए। अब इब्राहिम से बात हो जाती है, 16, 17, 18, 19 सिपारे का अनुवाद हो जाता है, फिर दूसरा तीसरा चौथा पारे का अनुवाद हो जाता है, पांचवें में जब अनुवाद चल रहा होता है, एक बात आती है कि जो मोहम्मद की उम्मत के होंगे, यानी जो परम धाम के मोमिन होंगे, उनकी संसारिक ख्वाहिशों को राज्य पूरा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला मोमिनों की ख्वाहिशों को पूरा नहीं करता है। इस पर इब्राहिम ने आपत्ति कर दी कि ये तो लगता है किसी ने कलम मार दी है, ये इस्लाम से खारिज है। शिया मुसलमानों को क्या कहते हैं कि इस्लाम से ये भटके हुए हैं, ये इस्लाम में है ही नहीं, क्योंकि हमेशा ये खून बहाते हैं, कुरान की आयतों का उल्टा करते हैं। सुन्नी कहते हैं कि ये इस्लाम से खारिज हैं, ये उनको खारिज किया हुआ कहते हैं, वो उनको भटका हुआ कहते हैं, दोनों एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं और दोनों लड़ते रहते हैं। कट्टर सुन्नी मुसलमान है इब्राहिम, श्री जी कहते हैं कि जैसा लिखा है वैसे ही रहने दो, उसमें हेर फेर न करो, क्योंकि तुम इसके अर्थ को तुम नहीं जान सकते, ये केवल मोहम्मद साहब की बातें हैं, अल्लाह जानता है या मोहम्मद जानते हैं, तुम्हें इसका अर्थ का पता नहीं है। इस बात पर उसको अंदर खाने वैर आ गया, मन में पाप आ जाता है कि मैं हिंदू वैरागियों को कुरान की टीका क्यों करवाऊँ। लालदास जी से बहस करने लगा, झगड़ने लगा, कहने लगा कि जो मैंने टीका करवाई है वापस दीजिए। लालदास जी ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर वापस नहीं करेंगे। अब जब बहस होने लगी, सब सुंदर साथ ने कठोर शब्दों में उत्तर दिया कि चाहे कुछ भी करो इब्राहिम, हम तो वापस नहीं देंगे।
कह दिया कि मैं जाकर के मुगल सेना से शिकायत कर दूंगा। सुंदर शाह सोचने लगे कि मुगल चारों तरफ तो मुगल सेना के शिविर हैं, कुछ भी अनर्थ हो सकता है। ये बात मोहम्मद खान पठान को पता चलती है। देखा कि सब सुंदर साथ कुछ उदास से हैं, कोई अनर्थ अशुभ घटना न घटित हो जाए। पता चला कि श्री जी के सामने ही बहुत कटु शब्द बोलकर इब्राहिम गया है कि मैं मुगल सेना को भड़का करके तुम बैरागियों को कैद करवाऊंगा। दौलत खान पठान एक बहुत बड़ा लाठी लेकर इब्राहिम की खोज में चला जाता है। इब्राहिम उस समय किसी का निकाह कराने गया होता है, घर पर जाकर दरवाज़ा खोलता है, गालियां देता है। पत्नी कहती है कि यहाँ पर तो नहीं है, अमुक के घर गए हुए हैं निकाह कराने। वहाँ गाली देते पहुँच जाता है मोहब्बत खान पठान। इब्राहिम को पकड़ करके लाता है और जानते हैं इब्राहिम आ आकर एक एक सुंदर साथ के चरणों में कदमोसी करता है, चरण चूमता है कि मुझे बख्श दिया जाए, मेरी जान बख्श दी जाए, मैं अब किसी को कुछ नहीं कहूँगा, ये तो मेरे हादी हैं। लेकिन मन में कुछ पाप और है, मुख से कुछ और कहता है। ब्रह्म सृष्टि की और जीव सृष्टि की पहली पहचान क्या है? तन दिल दो एक रूह कहियत है सोए। ब्रह्म सृष्टि जो दिल में होगा वही कहेगी, जबान पर वही लाएगी। जीव सृष्टि दिल में कुछ और रखेगी, जबान से कुछ और कहेगी। इब्राहिम भी माया का जीव है, ऊपर से तो माफ़ी मांग लेता है एक एक के कदम चूमकर, और अंदर से उसके मन में पापी है। अब नूर मोहम्मद ने ये बात कही थी कि यदि तुमने दिनी सभी एक एक सुंदर साथ के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा नहीं मांगते हो तो मेरी कटार तुम्हारे सीने में चली जाएगी। माफ़ी मांग लेता है और अंत में क्या होता है कि पांचवा सिपारा किसी तरह से पूरा हो जाता है, क्योंकि इब्राहिम का भाई आकर के पांचवा सिपारा पूरा करा देता है। इधर इब्राहिम जाकर मुगल सेना में चुगली कर देता है कि हिंदू वैरागियों का एक दल आया है जो कुरान की टीका करवा रहा है, और शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती कि हिंदू की जबान नापाक होती है वो हमारे पाक कुरान का अर्थ करवाए। कई वर्ष पहले एक मौलाना के पास मैंने तफ़सीर हुसैनी का हिंदू अनुवाद करने के लिए भेजवाया जब मैं रतनपुरी रहता था। उस मुल्ला ने, जिसके हाथ से मैंने भेजवाया था तफ़सीर हुसैनी, उसके हाथ में तफ़सीर हुसैनी देखकर क्या कहा कि तुम्हारे हाथ में तफ़सीर हुसैनी कैसे आ गई, ये तो नापाक हो गई है। अरे भाई, हिंदू ने तफ़सीर हुसैनी को छू दिया तो नापाक हो गई, ये कट्टर विचारधारा यदि आज है तो सोचिए औरंगजेब के ज़माने में कितनी होगी। आज भी कोई मौलवी मुल्ला किसी कहीं जाएगा तो हिंदू के दुकान से खाना पीना नहीं जाएगा, उसके मन में घृणा भरी है कि हिंदू नापाक होते हैं, काफिर होते हैं, इनका दिया हुआ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुरान को पढ़ते तो हैं, रटते तो हैं, कुरान के आशय से करोड़ों को दूर होते हैं। अब मुगल सेना को जाकर भड़का देता है, मुगल सेना वैरागियों की खोज में निकल पड़ती है। एक तो हो तो छिपे, हजारों सुंदर साथ की संख्या है। श्री जी की ऐसी अलौकिक लीला होती है, श्री जी कहते हैं कि सब जगह जगह फैल जाओ, एक साथ कोई रहे नहीं, और खाएंगे क्या, भिक्षा मांग करके लानी है। जीने के चरण कमल पड़ने से ब्रह्मांड पवित्र हुआ, आज वो परम धाम के ब्रह्मोमिन घर घर जाकर भिक्षाम दे की गुहार लगा रहे हैं। सामान्य सुंदर साथ नहीं है भीम भाई, वेदांत के आचार्य मुकुंददास जी, और मुकुंददास जी को वैसे वहीं से पहले भेज दिया था औरंगाबाद, जाकर औरंगाबाद के राजा भाव सिंह को आप जागृत करने का प्रयास कीजिए। भीम भाई वहाँ, लालदास जी हैं, चिंतामणि जी हैं जो हजार शिष्यों के गुरु थे, गादीपति थे, सुखी जीवन बिता रहे थे। लालदास जी जिनके दरवाजे पर न जाने कितने लोग भोजन पाते होंगे, घर घर जाकर आज भिक्षा मांग रहे हैं। किस लिए? जानबूझकर श्री जी ने ऐसी लीला की कि अहंकार समाप्त हो जाए, सभी अपने को भूल जाएं
कि हम कभी आचार्य थे, हम कभी अरबोपति थे, क्योंकि ये अहंकार बना रहेगा तो परम धाम का रस उनके अंदर नहीं समा पाएगा। माया के अहंकार को छोड़े बिना कोई सच्चा प्रेमी प्रियतम का नहीं बन सकता। धनी को पाना है तो संसार के सारे अहंकारों को दूर करना होता है। राज जी चाहते चुटकी बजाकर सब स्थिति को ठीक कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक दो महीने नहीं, 8 महीने भिक्षा में जो कुछ मिलता है सुंदर साथ लाते हैं और बाई जी राज सबको प्रेम पूर्वक परोसते हैं। सब सुंदर साथ खुश हैं कि राज जी बहुत अच्छा है। परम धाम में तो भिक्षा मांगने की लीला नहीं होती है, यहाँ हम भिक्षा मांग कर ला रहे हैं, आप भी खाइए हम भी खाइए, बहुत अच्छा चल रहा है। ये वो दिन है। आज छठे दिन की लीला में हमें सोचना होगा, हम अपने संसाधनों में मस्त हैं, सोने के कलश हम चढ़ा रहे हैं, सोने के सिंहासन हम बना रहे हैं, और तो और हम तो मंदिरों के दरवाजे के आगे भी अब सोने के पत्थर चढ़ाने लगे हैं। कभी हमने सोचा है कि इस फिजूल खर्ची को यदि हम रोक दें, बड़े बड़े कार्यक्रमों में हम टेंट में लाखों लाख रुपए उड़ा देते हैं, कभी ये सोचते हैं कि इस संपदा से साहित्य गरीब सुंदर साथ में वितरित किया जाए, सुंदर साथ में विद्वान तैयार किए जाए जो ब्रह्मवाणी को फैलाएं। हम पैसे की जिस तरह से बर्बादी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अनर्थ का संकेत है। यदि ये समाज पैसे की बर्बादी रोककर बड़े बड़े शिक्षण संस्थाएं खड़ी कर दें जिसमें वाणी की वितक के जो दार्शनिक तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, उनको सारे संसार में प्रस्तुत करें, वेद कतेब के उच्च स्तर के विद्वान तैयार किए जाएं, जो सारे संसार को अपने निजानंद के अलौकिक ज्ञान की महत्ता को दर्शाएं, तो सारे संसार का कायाकल्प हो सकता है। आज तो परंपरा चल गई है कि भागवत के कुछ श्लोक रट्टे लगा लिए जाते हैं, कुछ गाना सीख लिया जाता है, सुंदर साथ को नचाना ही जीवन की प्राथमिकता बन जाती है। ऐसी स्थिति में वाणी का वो तत्व ज्ञान संसार तक कैसे पहुँचेगा। श्री जी ने 8 महीने तक भिक्षा में मिले हुए अन्न का हर किया और छठे दिन की लीला में सब सुंदर साथ को ये सीख दी कि हम लक्ष्य से भटके नहीं। आज 300 वर्ष से ज़्यादा हो गए सुंदर साथ का समूह लक्ष्य से भटक चुका है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये वाणी उतरी थी। उस ब्रह्मवाणी की गरिमा को फैलाने के लिए हमें सब कुछ अपना त्याग करना पड़ेगा। कभी बुद्ध की विचारधारा को फैलाने के लिए हजारों राजकुमारों ने अपना राजपाट छोड़ दिया, अपने सिंहासन छोड़ दिया, लेकिन 300 साल से जागनी के नाम पर सहन की लीला अधिक हुई है। वाणी को मंदिरों में शोभा के लिए रख दिया गया है, उस पर हार तो कीमती चढ़ाए जाते हैं, नए नए बागे तो चढ़ाए जाते हैं, किंतु ब्रह्मवाणी में लिखा क्या है इसको फैलाने पर कोई चिंतन नहीं है। परिणाम यह है कि हम संसार के सबसे फिसड्डी पंथों में हैं। यदि ब्रह्मवाणी को संसार के सामने प्रस्तुत किया जाए तो सारा संसार खुशी से नाच उठेगा कि ऐसा अलौकिक ज्ञान हमें पहली बार मिला है और हमारे लिए अखंड मुक्ति का द्वार खुल गया है। अब यहाँ से श्री जी आगे चलेंगे, औरंगाबाद पहुँचेंगे उज्जैन होते हुए। इसकी चर्चा सुनेंगे आप कल।